ऑब्वियसली ये वही ऐप है जिसको हमने लास्ट गूगल पर डिप्लॉय किया था, और उसी का हम फिर डुप्लीकेट करके उसको उसी की कॉपी बना के हम उसी पे इंक्रीमेंटल वे में ना, प्रोग्रेसिव मैनर में हम इस पर काम कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये एक्सप्रेस की ऐप यहाँ पे रिक्वायर हुई भी है क्योंकि ये एक्सप्रेस का फ्रेमवर्क इस्तेमाल करता है। ये सर्वर हमारा नैनो आईडी है जो कि हमारे पास कस्टम आईडी जनरेट करते हैं हम इससे। मोंगो डीबी की लाइब्रेरी से हमने मोंगो क्लाइंट के नाम से एक चीज़ है उसको रिक्वायर कर लिया है। अच्छा, मोंगो डीबी की लाइब्रेरी की जगह और भी कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है, जिसमें मोंगोस एक है, मोंगोस जो नेवला होता है वो वाला मोंगोस, और एक मोंगोश भी है जो इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी उस लाइब्रेरी का जिक्र किया है इन्होंने कुछ जगहों पे, तो मंगोश भी लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ही जिक्र किया है, वैसे मैंने तो नहीं किसी को देखा यूज़ करते हुए, इन्होंने लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में उसका जिक्र किया है। अच्छा, लेकिन हम मोंगो डी बी की लाइब्रेरी इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आजकल ये ज़रा पॉपुलर हो गई है, ठीक है। आज से कुछ अरसे पहले अगर ये कोर्स मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने मोंगोस इस्तेमाल किया था, लेकिन इसमें मोंगो डी बी की अपनी लाइब्रेरी को हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये ज़रा आजकल फेमस है। अच्छा, किसी को अगर मोंगोस भी देखना पड़ जाएगा अभी, तो वो मेरे पुराने लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं बैज 8 के, आप देखेंगे, या बैज 8 है एक, मर्न स्टैक करके होगा, उसमें भी वो मोंगोस पढ़ाया मैंने, ठीक है। तो ये पहली क्लास है जिसमें मैंने मोंगो डी बी की अपनी लाइब्रेरी पढ़ाई है, तो ज़रा इस एतबार से ये वाली जो क्लास है इससे पहले मैंने ये वाली लाइब्रेरी नहीं पढ़ाई, ठीक है। इवन ये मैंने खुद भी खुद पहली दफ़ा इस्तेमाल की है, मैंने अभी तक किसी प्रोजेक्ट में इसको इस्तेमाल नहीं किया, ये इस क्लास में पहली दफ़ा मैंने पढ़ के और आपको पढ़ाया। अच्छा जी, हमारे पास इम्पोर्ट हमने किया है एक इंडेक्स डॉट एम जी एस की फ़ाइल को, इंडेक्स डॉट एम जी एस की फ़ाइल किया है, इसमें कुछ कोड लिखा है जो हम चाहते हैं कि वो इस पॉइंट पे रन हो जाए वो कोड, ठीक है। अब वो कोड क्या है वो हम ज़रा आके कॉन्फ़िग में देख लेते हैं अंदर, ठीक है जी। इसके अंदर ये बस एक बात लिखी हुई है, डॉट ई एन वी को हमने बस कन्फिगर किया हुआ है, दैट्स इट, और हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, ठीक है। डॉट ई एन वी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, मुझे याद नहीं पड़ रहा वैसे मैंने डॉट ई एन वी डिटेल में बताया या नहीं बताया है। हाँ? क्या बताया था, जिसको पता है वो खड़े होके बताओ, जो मैंने क्लास में बताया था वो बताओ ज़रा, कोई खड़ा होके। सही बताया तो सही है तुमने यार, असल में मैं मल्टीपल क्लासेस पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो मुझे सम टाइम ना मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या चीज़ कहाँ पे पढ़ाई है और कहाँ पे मैंने नहीं पढ़ाई। तो आई होप कि अगर एक बंदे ने सही बता दिया तो उसका मतलब मैंने पढ़ाया ही होगा इस क्लास में, जब भी तो पता है उसको, ठीक है। जिसको नहीं पता उसको मैं अगेन बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं, जो मोंगो डी बी का ये यूज़र नेम और पासवर्ड है, हम इसको कोशिश करते हैं कि अपने कोड के साथ इसको पुश ना करें हम गिटहब में, ठीक है। तो और ना ही जहाँ पे हम सर्वर डिप्लॉय कर रहे हैं, क्योंकि गूगल क्लाउड पे जब हम अपने सर्वर को डिप्लॉय करते हैं तो गूगल क्लाउड बाकायदा एक फ़िज़िकल कंप्यूटर उनके पास है, गूगल वालों के पास कलेक्टिवली बहुत सारे कंप्यूटर हैं, जिसमें से कोई एक हमें वो देता होगा, हमें नहीं पता कौन सा देता है वो। तो उस कंप्यूटर का फ़िज़िकल एक्सेस किसी बंदे के पास है ना, जाहिर है, जो उस कमरे में काम करता है जहाँ वो कंप्यूटर रखा हुआ है वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनको तो फ़िज़िकल एक्सेस है ना, ठीक है। फिर कल को उसकी हार्ड ड्राइव ख़राब होगी तो वो भी कहीं कचरे में फेंकेंगे, वो वैसे तो फेंकते नहीं हैं, उनका प्रोटोकॉल है, उसको वो क्रैश करके डिस्ट्रॉय करते हैं प्रॉपरली, लेकिन अगर वो किसी के हाथ लगी हार्ड ड्राइव, या वो कंप्यूटर का एक्सेस किसी को फिज़िकली मिल गया समहाउ, या कोई रॉबरी हुई उसमें वो कंप्यूटर चोरी हो गया, तो आपकी ये की जो है ना उस हार्ड ड्राइव के अंदर मौजूद होगी ना, अगर कोड के साथ आपने भेजी है अगर, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो हम डिप्लॉय करते हुए साथ में ना भेजें, ठीक है। इंस्टेड हम क्या करते हैं कि ये जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है ना, यहाँ पे हम बनाते हैं डॉट ई एन वी की फ़ाइल, ठीक है। डॉट ई एन वी की फ़ाइल आप बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें ये टॉगलिंग भी मैंने लगाया हुआ है, वेल अभी तो ये वैसे भी मैं, ये अकाउंट ही मेरा टेस्टिंग वाला है, तो ये अगर वीडियो में रिकॉर्ड भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, ये मैं वैसे ही डिलीट कर देता हूँ हर क्लास के बाद, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डॉट ई एन वी की फ़ाइल बनाते हैं अलग से, और डॉट ई एन वी की फ़ाइल बनाने के बाद उसमें चीज़ों को रखते हैं, और हम जब ये वाला कोड रन करते हैं ना डॉट ई एन वी कॉन्फिग, ये ऑब्वियसली एक लाइब्रेरी है, इसको इंस्टॉल भी करना होता है आपको, तो क्या होता है ये वहाँ से उसको उठा लेता है,
और ये .env की फाइल आप देखें ज़रा डिम हुई हुई है, वो इसलिए हुई हुई है क्योंकि हमने गिट इग्नोर में इसको डाला हुआ है, और क्लाउड इग्नोर में भी इसको मुझे डालना चाहिए था। सिर्फ गिट इग्नोर में क्यों डाला है मैंने इसको, मैंने क्लाउड इग्नोर में भी डालना है। क्लाउड इग्नोर वो फाइल होती है जो गूगल क्लाउड पर डिप्लॉय करते हुए हम उसमें जो चीज़ नहीं भेजना चाहते हैं उसका हम नाम लिख देते हैं। और हमने क्या डाला हुआ है भाई गिट इग्नोर में, टेस्टिंग गिट इग्नोर JS, ये पता नहीं क्या चीज़ है। ठीक है, ये कोई फाइल मौजूद नहीं है, चलो इसको हटा भी सकते हैं फिर। हमने इस नाम की कोई फाइल है नहीं, बस मैंने वैसे ही लिखा हुआ शायद। अच्छा तो ये हो गया जी, हम वापस आ जाते हैं अपने सर्वर पे। अच्छा तो ये वाला जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है यहाँ पे, तो मैंने ऐसे .env की फाइल बना के सेट कर दिया, लेकिन जब मैं गूगल क्लाउड पे या साइक्लिक पे या हरिको पे या AWS के क्लाउड पे जब मैं डिप्लॉय करता हूँ, तो वहाँ पे मेरे पास एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने का एक ऑप्शन आ रहा होता है किसी न किसी जगह पे। ये स्टैंडर्ड है हर क्लाउड पे, ये मौजूद होगी चीज़। तो वहाँ पे जाके ना मैं इस नाम का एनवायरनमेंट वेरिएबल बना देता हूँ, तो जब कोड चलता है तो सर्वर वहाँ से उठा लेता है। अब सवाल ये है कि भाई अगर मैंने गूगल क्लाउड पे अपना कोड डिप्लॉय किया और गूगल क्लाउड पे कोड डिप्लॉय करके मैंने उसको उसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी, लेकिन उसी गूगल क्लाउड में एक दूसरे ऑप्शन में जाके मैं वही इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, तो भाई जब मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करता हूँ तो वो इन्फॉर्मेशन भी तो गूगल क्लाउड के पास ही जा रही है ना कहीं वो सेफ तो कर रहा है ना इसको, जब भी तो कोड जब चलता है तो वो मिल जाती है इन्फॉर्मेशन इसको। ठीक है, तो असल चक्कर ये है कि गूगल क्लाउड के पास भी ना मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, कुछ कंप्यूटर को ज़रा वो सिक्योर करके रखते हैं साइड पे और कुछ कंप्यूटर ज़रा खुले करके रखते हैं। ठीक है, तो जब आप इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करते हैं तो वो एक ऐसी लोकेशन पे जाके सेव होता है जहाँ पे उन्होंने मे बी कोई ऑटोमेटिक ऐसी चीज़ लगाई हुई होगी कि जब भी कुछ ऐसा हादसा पेश आए या कुछ हो तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाए उसकी, इस तरह की मोस्ट प्रॉब्ली कोई चीज़ लगाई हुई होगी। मोस्ट प्रॉब्ली उसको किसी वॉल्ट में स्टोर किया हुआ होगा जहाँ तक एक्सेस आम बंदे का मुश्किल रखा होगा, या उन्हीं लोगों को एक्सेस दिया होगा जिनकी इनफ क्लियरेंस है जिनकी। ठीक है, जैसे सिक्योरिटी इदारे में भी होता है ना कि वो क्लियरेंस देते हैं भाई, Level 1, Level 2, Level 3 की क्लियरेंस होती है। तो इसी तरह जाहिर है गूगल के अंदर भी जो ऑपरेशन पे कर रहे हैं काम बंदे, उनके भी क्लियरेंस का कोई ना कोई लेवल तो होगा ना सेट, तो मे बी उस एक सर्टेन क्लियरेंस के बंदे को वहाँ तक जाने देते हूँ। ठीक है, तो ये आफ्टर ऑल इन्वायरमेंट वेरिएबल जहाँ सेव करता है ना गूगल या कोई भी बड़ी कंपनी, वो एक सेपरेट लोकेशन होती है, वो सेम सर्वर नहीं होता है वो वाला। ठीक है, तो उसको जाहिर है गूगल ने या इस तरह जो यानी म्यूचुअली डिसाइडेड है कि एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर ही रखी जाएगी सीक्रेट जितनी भी क्रेडेंशियल्स हैं। तो जब म्यूचुअली डिसाइडेड है ना, तो कंपनी ने जो भी एक्शंस लेने हैं वो इसी पे ही लेगा, तो फिर बेहतर ये है कि हम इसको यहीं पे सेव करें। ठीक है, स्टिल हमारे पास ये ऑप्शन होता है हमेशा कि कभी भी अगर हमें लगता है कि यार कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, या अगर गूगल हैक हो जाता है समहाउ, ठीक है, ख़बर आती है कि जी गूगल के फला फला कंप्यूटर जो होता है वो हैक हो गया, तो हम क्या करते हैं फ़ौरन अपने टोकन्स को अपने क्रेडेंशियल्स को रिवोक कर देते हैं, अपने पासवर्ड को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए भी हमारे पास आसानी ऐसे होती है कि हम .env में जाते हैं, वहीं पे होती है जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, तो हमें पता होता है कि अच्छा ये जी पाँच या छः पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो ये मेरी सेंसिटिव है, इन सबको मैंने करना है चेंज। तो आप बारी बारी जाके बहुत ईजिली सबको चेंज कर देते हैं। अगर आपने कोड के बीच में रखा हुआ होगा तो आपको तो कंट्रोल एफ करते करते आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि कोड बेस बड़ा होता जाता है, फिर चीज़ें गुम हो जाती हैं। तो ये भी ज़रा एक बेनिफिट रहता है कि आपको फिंगर टिप्स पे रहती हैं चीज़ें। अच्छा जी, तो मैंने कहा कि जी क्लाइंट को यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर दो, मोंगो क्लाइंट, मोंगो DB URI। ठीक है जी, मैंने कहा डेटाबेस मेरा ecom के नाम से बनाओ, क्योंकि हमारे पास जो ये URL है ये क्लस्टर का URL है। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस हम बना सकते हैं। ठीक है, तो एक डेटाबेस मैंने बनाया है, अगर मैं इसको कॉपी करके एक दूसरा भी बना दूंगा ecom1 ecom2, तो वो मुझे मना नहीं करेगा, बना देगा वो। ठीक है, लेकिन दोनों को हैंडल मुझे अलग अलग करना होगा ऑब्वियसली, ये नहीं कर सकता कि मैं एक ही वेरिएबल में 2-3 को लगा दूँ। ठीक है, अच्छा डॉक्यूमेंट्स में तो इन्होंने ये बताया कि जहाँ जहाँ पे भी आप ऑपरेशंस कर रहे हैं ना, वहाँ वहाँ पे ये client.db लिखता है, लेकिन client.db लिखने से कोई API कॉल नहीं होती, एक्चुअली वो एक लोकल मेथड है। तो आप एक दफ़ा मैंने लिखा है, लेकिन होपफुली जब आपकी बड़ा कोड बेस होगा तो आप हर दफ़ा ऑपरेशन करने से पहले इस कोड को लिखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना यहाँ पे express.json बॉडी को पार्स करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, स्लैश के ऊपर मैंने हेलो वर्ल्ड भिजवा दिया है, ये एक वेरिएबल है जिसको मैंने अल्टीमेटली हटाना है यहाँ से। ठीक है, इस वेरिएबल का कहीं ना कहीं ये नीचे अभी भी यूज़ हो रहा है। वेल तो अच्छा जी, हमने यार कौन सा इसमें से पढ़ा था, वो वाला पोस्ट वाला पढ़ा था क्या सिर्फ
सिर्फ पोस्ट पढ़ा है हमने इसमें। अच्छा, तो पोस्ट के बाद हमारा जो अगला नंबर है वो गेट का है ऑब्वियसली। अच्छा जी, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ज़रा पोस्ट वाले को देख लेते हैं क्या किया, फिर उसके बाद गेट वाले पे जल्दी से मूव करते हैं, ये चारों एपीआई कंप्लीट करते हैं, फिर उसको फ्रंट एंड से कनेक्ट करेंगे। अच्छा जी, वैलिडेशन लगा ली हमने, उसके बाद एक हमने ऑब्जेक्ट तैयार किया जो हमने भेजना है MongoDB में। अच्छा, अब ये वाली जो आईडी है ना, इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है बाय द वे। क्यों? क्योंकि जब MongoDB में इसको पुश करूँगा, मैं इस डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करूँगा, तो MongoDB भी मुझे एक अदद आईडी देगा। ठीक है, तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, MongoDB मुझे खुद एक आईडी देगा। अच्छा, और मैं इसको क्या करता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ, और ये जो मेरा लोकल वेरिएबल में पुश होता था इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने अवेट लिखा है, अवेट का मतलब है कि इस लाइन पे मेरा कोड रुका रहेगा जब तक ये इंसर्शन का ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, यहाँ रुका रहेगा कोड, उसके बाद यहाँ नीचे आएगा और बोलेगा कि जी रिजल्ट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 क्रिएटेड। ठीक है, 200 भी भेज सकता था मैं, नॉट अ बिग डील। अच्छा, अगर ये ऑपरेशन फेल हो गया उस सूरत में क्या होगा, इस चीज़ को मैंने हैंडल नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, कैसे होगा ये हैंडल, यहाँ पे लगाना पड़ेगा मुझे ट्राई कैच। ठीक है, ट्राई कैच क्या होता है कि ES6 के अंदर जो है ना, जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको लगता है कि यार शायद एरर आ जाए, ठीक है, तो आप उसको कोशिश करते हैं कि ट्राई कैच में काम करें। ठीक है, अच्छा होता क्या है उससे, देखो कोई भी जब कोड रन होता है ना, तो उसमें जो एरर होता है ना, वो एरर थ्रो कब करता है, एरर वो थ्रो जब करता है जब कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ जाती है। अच्छा, बाय द वे, एरर थ्रो करना ना, ये एक फ़ीचर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि मतलब पता नहीं ये कोई बुरी चीज़ समझते हैं इसको। ठीक है, एरर थ्रो करता है ना जब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी फ्रेमवर्क जो एरर थ्रो करता है, वो कितना अच्छा एरर थ्रो करता है, ये फीचर होता है उसका, कि भाई वो एरर थ्रो करके आपको बता देता है कि यार यहाँ पे मसला है, इसको आप ठीक करें। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैंने क्या किया भाई, अगर मैंने लेट करके एक वेरिएबल बनाया, उसमें रखा है मैंने 5, लेकिन लेट ए इक्वल्स 5 ऐसे मुझे लिखना होता है, अब मैं इक्वल्स की जगह मैंने कुछ और लिख दिया, तो उसको चाहिए कि वो एरर थ्रो करे, अदरवाइज़ क्या होगा कि जब मेरा कोड रन होगा एक्चुअल एनवायरनमेंट में, तो वहाँ पे वो सही रन नहीं होगा, मेल फंक्शन करेगा, जो फंक्शन होना चाहिए वो मेल फंक्शन करेगा, सही काम नहीं करेगा। तो अगर वो सही वक्त पे मुझे एरर थ्रो कर दे, तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, तो एरर का थ्रो होना इज़ अ फीचर। अच्छा, एरर जब थ्रो होता है तो हमें क्या करना होता है, उसको कैच करना होता है, जैसे कोई बॉल फेंकता है ना, तो हम कैच करते हैं उसको। अच्छा, तो हमें कैच करना होता है। अच्छा, अब आप ऐसे समझें कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ना, लाइन से 3-4 बंदे खड़े हुए हैं, जैसे क्रिकेट खेलते थे ना, छोटे बच्चे जब क्रिकेट खेलते हैं तो बाउंड्री के पास एक को बिल्कुल बाउंड्री के पास खड़ा करते हैं, एक को थोड़ा सा बाउंड्री से करीब खड़ा करते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि यार किसी के हाथ में तो आएगा कैच, ऐसे ही करते हैं ना बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं वो तो करते हैं ये हरकत, सब ने की होगी आई एम श्योर, किसी ने अगर बिल्कुल ही क्रिकेट नहीं खेली वो बात। अच्छा, मैंने भी बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेली, ये मेरे बड़े भाई थे जो खेलते थे, मैं जाता था उनके साथ, और मुझे बस वो बैटिंग चाहिए होती थी, बस एक दो बॉल खेलता था मैं वेल, तो मुझे भी कैच पकड़ने का भी खड़ा कराते थे वो। तो अब सामने बैट्समैन खड़ा है ना, तो बैट्समैन के बिल्कुल सामने यानी बॉलर के पीछे एक बच्चा खड़ा किया हुआ है कि यार कैच आएगा पकड़ना, और एक उसके पीछे खड़ा किया हुआ है, एक बिल्कुल बाउंड्री के साथ खड़ा किया हुआ है। अब बॉल आई, पहले वाले ने पकड़ने की कोशिश की, उसने नहीं पकड़ा, फिर उसके हाथ से छूटा तो दूसरे ने पकड़ लिया। ठीक है, अदरवाइज क्या होता, वो तीसरे के हाथ में जाता, अगर वो भी नहीं पकड़ता तो बॉल नीचे गिर जाती है। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन यहाँ पे भी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, कि जब आपका कोड चल रहा होता है ना, यानी कोड चल रहा होता है से मुराद कि आपका सॉफ्टवेयर जब चल रहा होता है, आप जो चीज़ बनाते हैं वो एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, वो कोई वेब एप्लीकेशन हो सकती है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकती है, कोई सर्वर एप्लीकेशन हो सकती है, किसी भी किस्म की एप्लीकेशन होगी, कोई सॉफ्टवेयर होगा जो आपने लिखा होगा। ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकती है वो। तो जब एक, अगर हम जावास्क्रिप्ट के केस में बात करें, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, आप वेब एप्लीकेशन बना रहे होते हैं। अच्छा, वेब एप्लीकेशन में क्या होता है कि जी वो एक ब्राउज़र पर चल रही होती है, तो अब अगर कोड में कोई एरर होता है ना, कोई मेल फंक्शन होता है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब एरर थ्रो करती है ना, तो वो किसके हाथ में आके गिरता है,
गूगल क्रोम के ब्राउज़र के हाथ में आगे गिरता है वो, ठीक है। अच्छा, गूगल क्रोम 100% उसको कैच कर ही लेगा, वो उन्होंने ऐसा हिसाब किताब किया हुआ कि वो छूटता नहीं है उससे कैच, वो कैच करके मुझे रेड कलर का दिखा देता है। अच्छा, लेकिन अगर मेरे स्क्रिप्ट के, मेरे वेब एप्लीकेशन के हाथ से एरर निकल गया ना अगर, और निकल के गूगल क्रोम तक आ गया, तो जब वो गूगल क्रोम तक आ गया ना, इसका मतलब है मेरा प्रोग्राम क्या हो गया, क्रैश कर गया, ठीक है। अल्टरनेटिवली होना ये चाहिए कि मेरे प्रोग्राम के अंदर जितने भी एरर्स आ रहे हैं वो मेरे प्रोग्राम के अंदर ही उसको कैच कर लिया जाए, उसको बाहर ना जाने दिया जाए, ठीक है। आइडियली ये होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कोई भी काम अगर मैं ट्राई के ब्लॉक में करता हूँ ना, तो अगर यहाँ से कोई एरर थ्रो होता है, इस ट्राई के ब्लॉक में से कोई एरर थ्रो होता है, तो वो क्या होता है, वो बाहर नहीं जाता प्रोग्राम से, वो कैच में आके गिरता है, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है क्या कि यहाँ पे कोई एरर हुआ और कैच में नहीं पहुँचा वो? ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। कब हो सकती है वैसी सिचुएशन? पहले, सबसे पहली तो ये हो सकती है कि यार आपने जो ट्राई में जो एरर आया ना आपके, वो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने पकड़ा ही नहीं, ऐसा एरर आ गया कोई जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पता ही नहीं था। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि एरर को पकड़ के और थ्रो करना ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फीचर होता है, तो बहुत सारे ऐसे भी एरर हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पता ही नहीं होता कि ये भी आ सकता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बनाई जाती है उसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ एरर्स को पकड़ने की सलाहियत होती है, ठीक है। तो अगर तो कोई ऐसा एरर आ गया ना, बिल्कुल ही रैम वैम कोई क्रैश हो गई, या कोई चलते हुए कंप्यूटर का रैम ख़राब हो गया और वेरिएबल उसने मांगा उसको मिला नहीं, तो इस तरह का अगर कोई होता है तो हो सकता है वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको ना पकड़े, ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ट्राई के अंदर कोई एरर आया और वो कैच में आया हैंडल होने के लिए, अब कैच में एक और एरर आ गया, जब कैच में एरर आएगा ना तो वो कैच के ब्लॉक से बाहर आ जाएगा फिर, ठीक है। फिर जब कैच के ब्लॉक से बाहर आएगा तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हाथ से निकल जाएगा, फिर वो गूगल क्रोम के पास आके गिरेगा, ठीक है। आइडियली फिर उस केस में ये होना चाहिए कि एक बड़ा ट्राई कैच का ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है, कि भाई अगर जो है ना, अगर इस कैच के भी हाथ से निकले ना, अगर यहाँ पे कोई कोड लिखा जा रहा है और वो कैच में गया, कैच में भी कोई एरर आ गया, तो अब वो इस वाले कैच में आएगा, बिगर कैच जो उसके पीछे बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, उसके हाथ में आएगा वो। तो अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब कैच के पीछे कैच, कैच के पीछे कैच तो नहीं लगा सकते हम, ठीक है। तो हम आइडियली क्या करते हैं, एक ही कैच लगाते हैं, ज़्यादा इतने सारे हम कैच नहीं लगाते, ठीक है। अच्छा, कोई कोड अगर मैंने सीधा लिखा है, बिल्कुल कोई कोड अगर मैंने बिल्कुल सही लिखा है, स्टेटिक कोड लिखा है, तो उसमें एरर आने के चांसेस बड़े कम होते हैं। मिसाल के तौर पर कैच के ब्लॉक में अगर मैंने लिखा है कि जी कॉन्सोल डॉट लॉग, और जस्ट मैंने बोला कि यार एरर, और ऐसे करके मैंने एरर लिख दिया, ठीक है, तो इसमें एरर आने के चांसेस बड़े कम हैं, ना होने के बराबर हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, लेकिन अगर मैंने ये लिखा है एरर डॉट डेटा, अब यहाँ पे एरर आने के चांसेस क्या हो गए, बढ़ गए, क्योंकि अगर डेटा उसमें नहीं हुआ तो एरर क्यों आएगा, डेटा नहीं हुआ तो अनडिफाइन आएगा ना भाई। अगर एरर के अंदर डॉट डेटा नहीं हुआ तो यहाँ पे अनडिफाइन मिलेगा ना, किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू नहीं होती, मैं डॉट लगाता हूँ तो अनडिफाइन मिलता है, ठीक है। तो अभी इसमें एरर आने का चांस थोड़ा बढ़ गया, लेकिन एरर अभी भी नहीं आएगा इसके अंदर। अगर मैं इस पर एक और डॉट लगा दूँ यहाँ पर और इसके अंदर मैसेज लिख दूँ, अब इसमें एरर आने के ना पूरा पूरा चांस है, क्यों कि अगर एरर डॉट डेटा में अनडिफाइन मिला तो अनडिफाइन पर डॉट लगा के कोई भी चीज़ लिखूँ मैं तो वो एरर 100% देता है। वो कहता है कि भाई कैन नॉट गेट मैसेज ऑफ अनडिफाइन, ये वाला एरर लिख कर बताता है वो, ठीक है। तो हम जब भी इस तरह की कोई चीज़ करते हैं तो इसके लिए भी हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन मौजूद है कि हम क्वेश्चन मार्क ऐसे लगा देते हैं, इसको हम कहते हैं नलिश ऑपरेटर, ठीक है। ये ES6 में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें ये होता है कि जी अगर एरर के अंदर डेटा मौजूद नहीं हुआ तो ये ब्रेक नहीं करता कोड को, ठीक है, एरर थ्रो नहीं करता, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो एक फीचर है ना एरर थ्रो करने का, उस फीचर को डिसेबल कर देता है ये, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना, ठीक है। अगर इसी तरह एरर डॉट डेटा भी अनडिफाइन हुआ तो डॉट मैसेज उस पर एरर थ्रो नहीं करेगा, वो वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पूरे यहाँ पे अनडिफाइंड रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का हर लाइन ऑफ कोड कुछ ना कुछ रिटर्न तो करता ही है ना, तो यहाँ पे अनडिफाइंड रिटर्न हो जाएगा, लेकिन वो एरर थ्रो नहीं करेगा यहाँ से, और ना इसको कहीं जाने देगा, एरर जनरेट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, ट्राई कैच के ब्लॉक में लिखते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि ये वाला जो काम है ना हमारा, ये हम पूरा का पूरा किस में लिखेंगे,
ट्राई कैच में लिखेंगे, ठीक है। ट्राई कैच में आइडियली तो मुझे सिर्फ ये अवेट वाला काम है ना, ये ट्राई कैच में करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँगा, ये रिस्पॉन्स डॉट सेंड वाला काम भी ना, इसको भी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों को मैंने ट्राई में रखा है। क्यों जी? अभी ये कंप्लीट कर लें ज़रा। अच्छा देखो, ट्राई के ब्लॉक में इसको मैंने इसलिए रखा है कि देखो, अगर ये वाली लाइन पे एरर थ्रो होता है ना, तो ट्राई के अंदर ये रूल होता है कि जी जिस लाइन में एरर थ्रो हो गया ना, तो उस लाइन से आगे ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो फिर यहाँ पे अगर एरर थ्रो हुआ है तो वो डायरेक्ट कैच में आगे गिरेगा। फिर अगर इसके नीचे 200 लाइन और भी होती ना, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होती। अच्छा, तो मेरे केस में अगर ये इंसर्शन फेल हो गया है, अगर डेटाबेस में जो इंसर्ट करना चाह रहा था मैं, अगर वो फेल हो गया है मेरे केस में, तो मुझे रिस्पॉन्स में ये नहीं भेजना फिर तो मैंने रिस्पॉन्स में कुछ और भेजना है ना, कि भाई 500 और सर्वर एरर वो भेजना है। तो इसका मतलब है ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं करना मैंने, तो इसलिए मैंने इसको भी ट्राई में रख दिया कि जी अगर ये चलेगा और ये तो फिर इसके बाद ही चलेगा ये। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इधर आके लिखूँगा कि जी रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 बिल्कुल डॉट सेंड हाँ भाई, दोस्त ने कहा कि इंटरनल सर्वर एरर। क्या ख्याल है, ये मैसेज सही है या यहाँ पे कुछ और मैसेज भी लिखा जा सकता था इससे बेहतर? सिर्फ एरर। अच्छा, यहाँ पे क्या मैं ये लिख सकता था कि यार इंसर्ट फेल इन MongoDB, एरर इंसर्ट फेल इन MongoDB, या एरर क्रिएटिंग डेटा इन MongoDB? क्या ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? ये बताना क्यों नहीं बताऊं? बता, मतलब अगर बता दूं तो इसमें कोई हर्ज है? नहीं, मैं लिख रहा हूं ना, ये तो मैं लिख रहा हूं। देखो, समहाउ इंसर्शन ही फेल हुई है ना, ये तो इतना तो मुझे पता है कि अगर यहाँ पे ट्राई पे ये फेल हुआ है तो इंसर्ट फेल हुआ है। डेटाबेस में जो इंसर्ट हो रहा था, या मैं इसको इस तरह बोलूँ, अगर अगर के क्रिएटिंग पोस्ट इन डेटाबेस फेल्ड, ठीक है, इस तरह की कोई बात लिखूँ, तो क्या इसमें कोई हर्ज है? बिल्कुल हर्ज है इसके अंदर, आपने ये वाली बात नहीं लिखनी है, ठीक है। हाँ, वही ऐड क्रिएटिंग प्रोडक्ट या ऐड प्रोडक्ट या जो भी बात, लेकिन हमने ये डिटेल नहीं लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। इसमें हर्ज है, बाकायदा हर्ज है इसमें। ये नेटवर्क सिक्योरिटी वाले जो हजरात हैं उनके नज़दीक ये क्या है? वल्नरेबिलिटी है, कि अगर आप ये बता देते हैं ना कि आपके सर्वर पे क्या हुआ है, किस वजह से ये रिक्वेस्ट फेल हुई है, तो ये वल्नरेबिलिटी है, आपको अंदर की इतनी डिटेल नहीं बतानी। अच्छा, फिर समटाइम ये डिटेल देख के ना यूज़र भी पैनिक होता है, कि यूज़र को हम नहीं बताते कि डेटाबेस ऑफलाइन हो गया है या क्या चक्कर हो गया अंदर, तो यूज़र भी पैनिक होता है फिर। तो इसमें जस्ट आपने सिंपल बात लिखनी है, क्योंकि आपके हाथ में जो सर्वर है, ऑब्वियसली इसकी API जो आप देंगे ना, वो किसी फ्रंट एंड के या तो बंदे को देंगे या किसी को बेचेंगे आप, कोई कस्टमर होगा आपका, उसको आप सेल करेंगे कि जी ये लो API, कॉल करो, डेटा मिलेगा आपको, इस तरह का कुछ सेटअप होगा, ठीक है। तो उसको आपने ना ये वाली डिटेल नहीं बतानी है कि सर्वर पर क्या हुआ है, ठीक है, कि जी वो JWT का टोकन वेरीफिकेशन फेल हो गई है, या कोई पैटर्न मैच नहीं हुआ, या कोई जो है ना रैम एक्सीड कर गया है, या प्रोसेसर ओवरफ्लो कर गया है, इस तरह की कोई बात आपने यूज़र को इस रिस्पॉन्स में एटलीस्ट नहीं बतानी है। हाँ, यहाँ पे एरर पे कॉन्सोल लॉग पे आप लिख दें वो सही है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कॉन्सोल वही देखेगा जो सर्वर का एक्सेस है जिसके पास, यानी मेरे पास। अगर मैं लिख रहा हूँ सर्वर, तो कॉन्सोल सर्वर का मैं ही देखूँगा, ये कोई और नहीं देखेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला मैसेज जो है ना, जो यूज़र को भेज रहा हूँ मैं फ्रंट एंड पे, इसके अंदर मैं लिखूँगा सिंपल बात कि जी वो फेल्ड टू ऐड, प्लीज़ ट्राई लेटर, सही है, लेटर इज़ अ बेटर, ठीक है। ये ऐड कर रहा था बंदा, ये तो यूज़र को पता था कि मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने कहा भाई फेल टू ऐड, ठीक है, पोस्ट कर रहा था प्रोडक्ट, मैंने कहा भाई फेल टू ऐड। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या मुझे ये वाला पार्ट भी ट्राई में लेना चाहिए था, क्योंकि इस वाले पार्ट में भी एरर आ सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे मैंने डॉट डॉट तो लगाया हुआ है।
यहाँ पे इसको भी अगर मैं ट्राई में लेता तो इस पर भी कोई एरर होता तो वो कैच में पकड़ में आ जाता, अभी अगर इसमें कोई एरर आया तो सीधा बाहर जाएगा मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। अच्छा, इसके अंदर एरर आने का चांस नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे वैलिडेट कर लिया है, ठीक है। अगर इसमें किसी किस्म का कोई एरर होता तो वो इसी इफ में पकड़ में आ जाता, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको वैलिडेट कर लिया, लेकिन फिर भी एहतियातन अगर मैं इसको ट्राई में डालना चाहूँ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं इसको ट्राई में डाल सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा ये कि इस पर मुझे नलिश ऑपरेटर भी अगर लगा लूँ तो क्या ही बात है, ठीक है। नलिश ऑपरेटर मैंने इन सब पे लगा दिया ताकि क्या होगा, यहाँ पे अगर किसी किस्म का कोई एरर भी आता है तो, ठीक है, यहाँ पे भी लगा देता हूँ मैं सब पे नलिश ऑपरेटर, ठीक है, इन सब पे मैंने लगा दिया। अब ऑलमोस्ट अब तो मुझे कोई ऐसी चीज़ इसमें नज़र नहीं आ रही इसमें जो कोड में जो सर, जैसा आपने कहा ना कि ये नहीं बताना चाहिए डेटाबेस फेल है, तो जो कंसोल लॉग है, हाँ, ये भी डेवलपमेंट के बाद हटा देने चाहिए। कंसोल के लॉग्स भी हटा देने चाहिए, लेकिन सर्वर के केस में ना ज़रा फ्रंट एंड में तो बिल्कुल हटा देने चाहिए, फ्रंट एंड में तो एक भी कंसोल लॉग नहीं होना चाहिए आपका जब प्रोडक्शन में आपका कोड जाता है तो। लेकिन सर्वर पे ना लॉग्स होने चाहिए कुछ, लेकिन इस तरह से नहीं होने चाहिए जिस तरह से ये लगा हुआ है, ठीक है। सर्वर पे एक तो लॉग उस चीज़ का होता है कि जी वो जैसे एक लॉगर उसमें इस्तेमाल होता है मॉर्गन, ठीक है। अच्छा, मॉर्गन बड़ी पुरानी लाइब्रेरी है, हम इसको यूज़ करते हैं, अब हो सकता है इसकी कोई बेहतर नई लाइब्रेरीज़ भी हो आ गई हों तो आप सर्च कीजिएगा। मॉर्गन क्या करता है, हर आने वाली रिक्वेस्ट को ना कॉन्सोल पर लॉग करता है वो कुछ। अब यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल ही नहीं बताया कहीं पर, बहरहाल यहाँ पे इन्होंने जो पैटर्न बताया हुआ है उसको हम देख सकते हैं कि जी वो किस मेथड के कौन सा गेट किए पोस्ट किए, यूआरएल क्या है, स्टेटस क्या गया उसमें, रिस्पांस के कंटेंट की लेंथ कितनी थी और रिस्पांस टाइम कितना था। तो ये वो रिस्पॉन्स, ये वो लॉग है कि जब भी रिक्वेस्ट आती है ना मेरे पास तो मुझे ये चीज़ें देखनी होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं, क्योंकि सर्वर को हम शट डाउन तो नहीं करते ना, सर्वर को तो बस मैं ऑन करता हूँ और छोड़ देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे कोई बंदे ने मुझे ईमेल की, सपोर्ट वाले बंदे को, कि यार मैं ना सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, ये पेज आपका चल ही नहीं रहा। मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं सुबह से और हो ही नहीं रहा, ये मुझे वो बोलता है। तो अब मैं इसको कैसे इंस्पेक्ट करूँगा, मेरे पास कोई तो तरीका होना चाहिए ना इसको इंस्पेक्ट करने का। तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि मैं अपना सर्वर खोलूँगा, सर्वर के लॉग्स की बात हो रही है, और वहाँ पर जाके ना मैं ये वाला जो लॉग है ना मेरा, मैं ये देखूँगा, सही है। और इस लॉग में मैं ये देखूंगा कि भाई कितनी दफ़ा पोस्ट की, जाहिर है क्योंकि वो कुछ प्रोडक्ट ऐड करने की कोशिश कर रहा तो पोस्ट का मेथड होगा, कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि पोस्ट का मेथड आया है और स्लैश प्रोडक्ट पे आया है और उसका स्टेटस 200 के या 201 के अलावा कुछ और गया है, ठीक है, 400 या 403 या 404 गया है, ठीक है। अच्छा, अगर तो 200 गया है सब दफ़ा तो फिर मैं शायद रिस्पॉन्स टाइम भी देखूँगा कि भाई कितने सेकेंड में रिस्पॉन्स गया है इस रिक्वेस्ट का, ठीक है। तो मुझे बाकायदा इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा जी सुबह 9:00 इतने मिनट पे इसकी रिक्वेस्ट आई थी और जो ना, अच्छा इसमें टाइम भी मेंशन नहीं हुआ हुआ, इसमें टाइम भी मेंशन करते हैं कि कितने बजे ये रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, इसमें कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। तो इसको आप करना क्या होता है, आपने इसको भी चलो लगे हाँ तो इंस्टॉल कर लेते हैं जब बात निकल आई है, तो इसको हम सिंपली क्या करते हैं जी कि CD02, ठीक है, ये इस फोल्डर में आ गया मैं क्रड ऑपरेशन वाले में, और इसमें आके मैंने कहा कि जी वो NPMI और मॉर्गन। अरे भाई, सही है, सूडो लगा के करना पड़ता है मेरे वाले में, ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल करने के बाद इसको क्या करना होता है मुझे, यहाँ पे आके इन्होंने तो वो बताया हुआ रिक्वायर वाला ना तरीका, सही है, तो इसको मैं रिक्वायर को ही लिख के पेस्ट करता हूँ। इसमें एक छोटी सी सजेशन आ रही होती है जिसमें क्विक फिक्स पे क्लिक करूँगा ना मैं, तो ये क्या करता है, नहीं वो नहीं कर रहा ये, खैर चलो हाथ से कर देते हैं इसको, सही है। इम्पोर्ट इसको मॉर्गन ऐसे मैंने हाथ से कन्वर्ट कर दिया, और लास्ट में हम इसके सेमी कॉलन लगा देते हैं। और इसको जो इन्होंने इस्तेमाल करना बताया है वो इन्होंने कैसे बताया है कि जी मॉर्गन ऐसे टाइनी करेंगे आप, लेकिन ऐसे भी नहीं करेंगे मॉर्गन टाइनी एक्चुअली, तो यहाँ पे इन्होंने असल में ये मिडलवेयर फंक्शन है तो इसको ऐप डॉट यूज़ करके अंदर उसके लगाना होता है, नहीं बताया हुआ, चलो हम वैसे ही पता है मुझे कैसे होता है ऐप
डॉट यूज, ठीक है, मॉर्गन डॉट कैसे किया था उन्होंने, मॉर्गन डॉट टाइनी था, अच्छा मॉर्गन है उसके अंदर टाइनी लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा मॉर्गन के अंदर ना इनके पास एक टाइनी करके है, एक डेव करके है, सही है। तो डेव वाला फ़िलहाल हम रखते हैं, अभी हम चलाएंगे तो वो दिख जाएगा हमें लॉग किस तरह का इसमें आ रहा है। और मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह का पूरा पैटर्न भी बता सकता हूँ, ये ऐसा पूरा पैटर्न भी मैं मेंशन कर सकता हूँ कि भाई इस पैटर्न में आप करो, ठीक है। अब इसको ये कहते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो ये मेथड कॉलन URL, कॉलन स्टेटस, कॉलन रिस्पॉन्स, ये नीचे सारा ना इन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है कि कौन कौन से इस तरह के जो है ना ये इनके पास मौजूद हैं, ठीक है। अगर आप डेव लिखोगे तो इस तरह के इस तरीके से करेगा, ठीक है। अगर आप लिखोगे कॉमन तो ये इस तरीके से करेगा, ये चीज़ें उसमें मेंशन करेगा ये, ठीक है। अगर आप करोगे कंबाइन तो कुछ इस तरह से शो करेगा, ठीक है। कंबाइन में यानी डेव को और कॉमन को इसने कंबाइन किया हुआ है, ठीक है। तो चलो कंबाइन वाला कर लेते हैं, क्या ख्याल है, सही है, कंबाइन कर लेते हैं। वो ज़रा लंबा चौड़ा सा करेगा, उसमें रिमोट एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग जो आप चाहते हैं, जो सोच सकते हैं आप, वो सब उसमें होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। तो ये तो लॉग, वो वाला लॉग है मॉर्गन या इस तरह की कोई लाइब्रेरी, या आप मैनुअली हाथ से भी बना सकते हैं, कोई इसमें ऐसी रॉकेट साइंस भी नहीं है। उसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के मैथड ही प्रिंट हुए हैं, तो आप अगर रिक्वेस्ट डॉट मैथड करते हैं तो भी आपको मिल जाता है कि जी गेट था या पोस्ट था, तो आप खुद भी लिख सकते हैं, कोई लाइब्रेरी के मोहताज भी नहीं है आपने, ठीक है। अच्छा तो उसके बाद ये जो इस तरह के एरर के जो लॉग्स हैं, ये भी मेरा ख्याल है कि हों तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आपने किसी जगह पे ना कोई क्रेडेंशियल को लॉग में प्रिंट किया हुआ है, क्योंकि एनवायरनमेंट वेरिएबल से क्रेडेंशियल तो मिल गया ना, आप एनवायरनमेंट वेरिएबल से कोई क्रेडेंशियल उठा के ना सीक्रेट, उसको आप लॉग में प्रिंट करते हैं, तो ये वल्नरेबिलिटी है। वैसे अगर कोई एरर आ गया आपके पास और उसको आपने कंसोल कर दिया, तो इसमें कोई ऐसी मसले की बात नहीं है, ठीक है, ये रख सकते हैं आप। अच्छा अब हम आ जाते हैं ज़रा गेट वाले पे। अच्छा इसको हमने पोस्टमैन पे बना लिया था, कैसे चला लेंगे हम इसको, npm run dev, ठीक है जी, npm run dev पे ये चल चुका है, पोस्टमैन हमारा इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है जी। हमने कौन सा बनाया था, smit प्रोडक्ट रेस्ट API, ये वाला था, ओके। पोस्ट अ प्रोडक्ट, पोस्ट अ प्रोडक्ट में मैं जाता हूँ और अब जाके ज़रा इसमें पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा हमारे पास प्राइस है, नेम है और डिस्क्रिप्शन है, तीन चीज़ें, राइट, यही तीन चीज़ें हम रखते थे यहाँ पे भी, ठीक है, और प्राइस है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, गुड, ओके। इसको मैंने सेंड किया, इसने एरर दे दिया, क्यों भला, ओके, इसमें 3001 लगा हुआ है, ठीक है, 300 पे क्यों चला यार ये, पे जाके ज़रा इसको मैं देख लूँ कोड में मेरे, 3000 पे चलाया हुआ है। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेस URL पे मैं हाथ रखूँगा ना, तो इसको मैं, ये जो मेरे पास आ रही है ना वैल्यूज़ एनवायरनमेंट वेरिएबल में, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। कैसे करूँगा मैं वापस ये कोने में आ रहा है एनवायरनमेंट क्विक लुक, यहाँ जाऊँगा और इसकी जो करंट वैल्यू, उसको एडिट करके मैं 3000 बना के एंटर कर दूँगा, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू 3001 है, लेकिन अभी मैंने इसकी वैल्यू 3000 कर दी है, तो अब ये 3000 यहाँ पे मुझे दिख रहा होगा, ठीक है, करंट वैल्यू जो इसकी 3000 है। तो अब जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो क्या होगा, अब वो 3000 पे जारी होगी, ठीक है। जवाब आ गया, फेल टू एड, प्लीज़ ट्राई लेटर, ठीक है जी। इसकी वजह से लेकिन एरर आना तो नहीं चाहिए था, एरर डॉट डाटा डॉट मैसेज, अनडिफाइंड प्रिंट हो तो गया है यहाँ पर। वेल चलो इसको मैं ज़रा थोड़ी देर, आई डोंट थिंक सो कि ये मॉर्गन से आ रहा होगा, अभी भी ट्राई लेटर, ठीक है। अब मैंने इसको जो कॉन्सोल पे लिख दिया था ना डॉट प्रोडक्ट, उसको मैंने हटा दिया है। अच्छा ई नॉट फाउंड क्लस्टर, ये क्लस्टर मैंने शायद डिलीट विलीट कर दिया है, इस वजह से ये एरर आ रहा है, ठीक
ठीक है, तो नया क्लस्टर बना लेते हैं चल के। जैसा कि मैंने बताया था भाई, मैं हर क्लास के बाद ना होपफुली इसको डिलीट कर देता हूँ। तो चल के ज़रा क्लस्टर को दोबारा से इनिशियलाइज़ करते हैं, तो वो हमें नया स्ट्रिंग देगा और उस नए स्ट्रिंग को हम यहाँ पे लाके जो है ना पेस्ट करेंगे तो वो चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, एरर में बकायदा इसने देखो बता भी दिया है कि ई नॉट फाउंड का मतलब होता है कि जो चीज़ चाहिए थी वो नहीं मिली इसको। अच्छा, जो हमारे मॉर्गन से जो लॉग आया ना, वो भी देख लो क्या है ये, इसने रिमोट की आईपी, अच्छा रिमोट की आईपी में इस वक्त कुछ भी नहीं आया क्योंकि मैं लोकल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जब ये बकायदा गूगल क्लाउड पे जब चल जाएगा ना, जब कोई इस पे रिक्वेस्ट करेगा तो उसकी रिमोट एड्रेस यहाँ पे उसका आ रहा होगा। ठीक है, टाइम आ गया हमारे पास, यहाँ पोस्ट की रिक्वेस्ट थी, स्लैश प्रोडक्ट पे थी, HTTP का जो वर्जन है 1.1 इस्तेमाल हुआ है इसमें, 500 रिस्पॉन्स गया है इसका स्टेटस कोड जो है, और उसके अलावा यहाँ पे इसने जो है ना नाम लिखा है, हाँ यूज़र एजेंट का नाम लिखा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं यूज़र एजेंट। ये हर ब्राउज़र का यूज़र एजेंट अलग होता है, अभी क्योंकि मैंने पोस्टमैन से किया है तो यूज़र एजेंट पोस्टमैन का आ रहा है। ठीक है, होपफुली हाँ, तो बस ये मैंने जो है ना, कनेक्ट कनेक्ट का बटन कहाँ है इसमें, ये रहा। ठीक है, कनेक्ट टू योर एप्लीकेशन, और जनाब ये हमारे पास जो है ना क्लस्टर एट द रेट क्लस्टर के बाद की जो सारी चीज़ें ना, ये मैं पकड़ लेता हूँ। ये होपफुली मेरे वाले से चेंज होगा जब भी उसको नहीं मिल रहा ये। ठीक है, ये मेरा जो है वो पुराना URL है, और मैं कंट्रोल F करके इसको चेक करता हूँ, ये डिफरेंट है भाई, सही है, पहले वाले से डिफरेंट है ये। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ अब इस वाले को यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये होपफुली क्या होगा, सही चल जाएगा। मैंने दोबारा रिक्वेस्ट की यहाँ से, ठीक है, क्रिएटेड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्रिएट हो गई यहाँ पे। अब आप देखें, पोस्ट की रिक्वेस्ट थी स्लैश प्रोडक्ट और 201 अब रिस्पॉन्स गया है, और 29 मिलीसेकंड में रिस्पॉन्स गया ये। ठीक है, क्योंकि अभी मैं लोकल सर्वर से एक्सेस कर रहा हूँ, जब ये गूगल क्लाउड पे होगा तो उस पर रिक्वेस्ट करेंगे तो कम से कम 200 मिलीसेकंड तक आपको ये दे रहा होगा फ्री वाले पे, सही है। फ्री वाले से जब आप ऊपर जाएंगे तो शायद ये थोड़ा फिर कम भी हो जाता है। अच्छा, इसको मैं वापस से ज़रा बंद करता हूँ, और ये हमारी जो पोस्ट की API थी ये कम्प्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं गेट की API की तरफ, जिसमें ये तमाम प्रोडक्ट्स जो गेट करने वाला जो मंजन है, ये हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं। पहले हम करते थे रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और ये वेरिएबल जो था उसको उठा के फेंक देते थे, लेकिन अब मैंने क्या करना है, अब मैंने MongoDB से मंगवाना है, तमाम के तमाम जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं उसको MongoDB से मंगवाना है और मंगवा के यहाँ रखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जाके यहाँ पर लिखूँगा गूगल पे कि MongoDB क्रड ऑपरेशन, तो ये MongoDB क्रड ऑपरेशन का डॉक्यूमेंट मेरे पास आ गया। अरे भाई, कहाँ ले गया मेरे को ये, रीड ऑपरेशन सही हो गया, ये आ गया जी। गलत यहाँ पे लिखा है उन्होंने पूरा का पूरा। यार ये पता नहीं MongoDB की डॉक्यूमेंटेशन में ना एक गड़बड़ इन्होंने की हुई है सब जगह। अब ये क्वेरी तो इन्होंने बता दी, लेकिन एक्चुअल में कोड कैसे होगा वो यहाँ पे बताया नहीं है, हालांकि ये गाइड वाला डॉक्यूमेंट है ना, तो बस पता नहीं एक अजीब सी ये हरकत कर रहे हैं हर जगह। मैं वही अभी देख रहा हूँ कि जो है ना ये हर जगह इन्होंने ना इसी तरह किया हुआ है। ये देखो यहाँ पे है ना MongoDB इंसर्ट का भी है और क्वेरी का भी है। अब मैंने क्वेरी पे क्लिक किया यहाँ आके, ये तो शुरू में इसने बता दिया कि भाई ये डेटा मैं इंसर्ट कर रहा हूँ इसी पे चलेगा सारा ऑपरेशन। अब यहाँ पे आके ना देखो, इतना तो ये बताते हैं, लेकिन कर्सर के ऊपर डॉट लग के फिर वो 2 array भी तो चलेगा, वो नहीं बताते कहीं, हालांकि वो इनको बताना चाहिए। इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, अब ये उस पूरे डॉक्यूमेंट में नहीं होगा, वो देखना तुम, बस ये कर्सर तक पकड़ में आ रहा है, वह कर्सर के आगे बोलते ही नहीं है कुछ के क्या करना है। देखो एंड का बता दिया कंडीशन, फिर ये और का बता दिया, अब क्वेरी एन एरे,
पे आ जाओ, फिर दोबारा से ये डेटा इंसर्ट किया कि जी इस पे चलेगा, ठीक है। अब देखो मैच एरे मैच करना भी बता दिया, लेकिन ये नहीं बता रहे कि कर्सर पे डॉट करके भी लगेगा वो, ठीक है। वेल चलो हमें तो पता है ना, बताया हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन अब यहाँ नहीं बताया हुआ। हालांकि देखो ये गाइड है ना, ये इंट्रो के बाद पहला डॉक्यूमेंट है, ये यहाँ तो बताना चाहिए इनको यार। हाँ अच्छा अच्छा ये वाला इसमें है सर, टू एरे है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी होगी। यूजेज यूजेज में फाइंड, चलो फाइंड वाले में चलते हैं, फाइंड मल्टीपल में। अच्छा ये mongodb.com/document है, सही नोड जेएस का जो लाइन। अच्छा उसी डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं डेप्थ में जाके ये है। अच्छा जी ये डेटाबेस डॉट कलेक्शन और ये ऑप्शंस आ गया। हाँ यार यहाँ पे तो इसने पूरा कोड लिखा है, अच्छा फाइंड वन जो है वो कह रहा है कि वो डॉक्यूमेंट रिटर्न करता है, उसमें कर्सर पर टू लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब वो टू कहाँ बताएगा ये, फाइंड मल्टीपल में आ जाओ आगे। हाँ यहाँ बताया इसने नेक्स्ट और टू। वेल बड़ी दूर जाके बताया। तो खैर अच्छा हमने क्या करना है, हमने db.collection की जगह हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने यहाँ पे पहले से अपना प्रोडक्ट कलेक्शन कलेक्शन पहले से हमने बना के रखा हुआ ऊपर, तो हमें दोबारा से ये डीबी और कलेक्शन दोबारा से लगाने की ज़रूरत मुझे नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई प्रोडक्ट कलेक्शन डॉट फाइंड। अच्छा फाइंड के अंदर आप देखें इन्होंने ऑब्जेक्ट के अंदर ना क्वेरी पास की है, तो हमने क्या करना है इसके अंदर क्वेरी में एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास करना है। एम्प्टी ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि इस कलेक्शन में जो भी डेटा है सब लेकर आ जाओ, सही है। और मैं ये पास करने के बाद मुझे कर्सर मिल जाता है, और मैं फिर बोलता हूँ कर्सर के ऊपर डॉट टू एरे में इसको कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा जब मैं इसको डॉट टू एरे में कन्वर्ट करता हूँ ना, तो इस पॉइंट पे वो एक्चुअल क्वेरी परफॉर्म करता है, जो एसिंक ऑपरेशन है ना वो एक्चुअली इस पॉइंट पे परफॉर्म करता है। तो इस पॉइंट पे मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे मुझे कॉन्स्ट ऑल, हाँ क्या दोबारा बोलो, फाइंड के आगे लिखो तो हाँ यहाँ भी लिख सकते हैं डॉट आगे, फिर ये इसी पे एसिंक लगाना पड़ेगा, अवेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये असल में दो स्टेप में हो रहा है ना। अच्छा अभी तो ये क्वेरी वाला पार्ट बहुत सिंपल है ना, एम्प्टी एरे एम्प्टी इसमें ऑब्जेक्ट है, होपफुली इसके अंदर हमारे पास ना अच्छा खासा बड़ा सारा ऑब्जेक्ट होगा ये, ठीक है। ये क्वेरी वाला जो फाइंड वाला पार्ट है, तो इसलिए डॉक्यूमेंट में सब जगह फाइंड वाले पार्ट को अलग किया है, अच्छा किया है ये इन्होंने, ठीक है। और ये नीचे वाला पार्ट ये इतना ही सिंपल रहेगा हमेशा, इस वाले पार्ट को हमेशा मुझे ट्राई कैच में लिखना चाहिए, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ट्राई कैच का ये ब्लॉक बना लेता हूँ, और ये जो अवेट वाला काम है इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं ट्राई कैच के ब्लॉक में ले लेता हूँ। अच्छा होपफुली जब मेरे पास ऑल प्रोडक्ट्स आ जाएंगी तो वो एक एरे की फॉर्म में आएगी, तो मुझे इस पर अब ऐसे करके भेज देना चाहिए इसको, ठीक है। और अगर तो कैच में चला जाता है ये, तो कैच में मुझे क्या करना चाहिए, कॉन्सोल डॉट लॉग करके पहले उस एरर को कॉन्सोल करा देना चाहिए, और उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या लिखना चाहिए, स्टेटस यहाँ पे 500 ही होगा, यहाँ पे भी डॉट फेल टू गेट, हाँ फेल टू फैच या फेल टू गेट प्रोडक्ट्स, ऐसी बात मैंने लिख के और बात यहाँ पे ख़त्म कर दी, ठीक है जी। अच्छा तो ये हो गया जी, हम आ जाते हैं गेट ऑल प्रोडक्ट को भी ज़रा एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं। अच्छा आप नोट कीजिएगा मैंने APIs को चेंज नहीं किया है, तो पोस्टमैन में जो बना हुआ था मैं उसी को ही दोबारा कॉल कर रहा हूँ, तो मुझे वो सेम डेटा मिल रहा है, ठीक है। APIs को मैंने चेंज बिल्कुल भी नहीं किया, ये आप देखें ये वही है,
यानी इनपुट्स और आउटपुट्स जो है ना मेरे जो एपीआई के मेरे सर्वर के जो इनपुट्स और आउटपुट्स हैं वो अब चेंज नहीं होंगे, वो फिक्स हो चुके हैं रेस्ट एपीआई के रूल के मुताबिक। अब सिर्फ अंदर का इंजन मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, पहले वो वेरिएबल में अंदर सेव करता था, अब मोंगोडीबी में कर रहा है। ठीक है, इनपुट्स वही हैं आज भी, हाँ स्टेटलेस उसको हम कर रहे हैं एक्चुअली। मैं तुम्हारा सवाल अगर सही समझाऊँ तो तुम ये कह रहे हो कि अगर मैं एम टी आई ऑब्जेक्ट की जगह कुछ भी ना लिखूं तो क्या होगा? नहीं, एम टी ऑब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है भाई इसमें। हाँ नहीं, अभी वो हम अगला वही है ना, गेट वन प्रोडक्ट। गेट वन प्रोडक्ट में मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट इसको चाहिए। तो अच्छा, इससे पहले क्या होता था, प्रोडक्ट गेट करने के लिए जो मैं आईडी लेता था वो मैं बोलता था भाई नंबर होना ज़रूरी है, लेकिन अब उसका नंबर होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो तो मोंगोडीबी की जो ऑब्जेक्ट आईडी है ना वो तो देखो उसमें अल्फा न्यूमेरिक होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट वो कुछ इस तरह का नंबर होता है और अंडर स्कोर आईडी के नाम से वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको रखता है। ठीक है, तो ये नंबर तो अल्फा न्यूमेरिक है, तो मैं ज़रा वैलिडेशन को ना अपने हटा देता हूँ यहाँ से, जो इज़ एन एन है कि जी इज़ एन एन नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, और क्योंकि यहाँ पे मैंने आईडी लिखी हुई है तो जब तक ये आईडी होगी नहीं, एपीआई कॉल भी नहीं होगी, लिहाजा मुझे इस वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं कोई सिर्फ स्लैश प्रोडक्ट लिखता है तो ये एपीआई हिट नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ प्रोडक्ट के नाम से अगर कोई हिट करेगा तो 404 आएगा, क्योंकि इसको चाहिए स्लैश प्रोडक्ट स्लैश उसके आगे कोई ना कोई बात इसको चाहिए। ठीक है, अच्छा तो बस मैंने यहाँ पे, अच्छा मैंने क्या किया हुआ था वेरिएबल में, क्योंकि फाइंड करता था मैं, तो मैंने पूरा एक लॉजिक लगाई हुई थी कि भाई फॉर लूप चलाओ घुमाओ उसको, तो ये सारा कुछ अब मैं क्या कर दूँगा, हटा दूँगा यहाँ पे से। ठीक है, और सारा कुछ हटा के मैं क्या करूँगा, उसकी जगह पे अब मोंगोडीबी की फाइंड की क्वेरी लगाऊँगा। फाइंड की क्वेरी कैसे लगाऊँगा, भला सेम इसी तरीके से लगाऊँगा, ये पूरा का पूरा ब्लॉक मैं इसी तरह यहाँ पर भी लगाऊँगा उठा के। ठीक है, फाइंड में बस वो आईडी आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, कर्सर मैंने पकड़ा यहाँ पे और फाइंड में अब मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कि भाई अंडर स्कोर आईडी जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी। सही है जी, ये आईडी हो गया। यहाँ पे एसिंक भी लिखना होगा मुझे, और ट्राई किया मैंने जी सारे जो भी मुझे डेटा मिला उसको मैंने टू एरे में कन्वर्ट किया, रिस्पॉन्स सेंड किया मैंने कि जी प्रोडक्ट फाउंड, ठीक है, और यहाँ पे अब मैंने इसको लिख दिया कि जी रिस्पॉन्स या प्रोडक्ट डेटा, इस तरह की कोई भी बात मैं वेरिएबल है मेरी मर्ज़ी है कुछ भी लिख सकता हूँ मैं इसमें। ठीक है, बेहतर है कि रेलिवेंट हो, मेरा ख्याल है अभी इससे ज़्यादा रेलिवेंट नाम मुझे सूझ रहा नहीं है। अच्छा, और अगर ये किसी भी किस्म का एरर आता है तो मैं कहता हूँ जी एरर और फेल टू गेट प्रोडक्ट। सही है, और मे बी विथ आईडी में मैं लिख सकता हूँ, ना भी लिखूँ तो खैर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी मुझे आइडियली क्या करना चाहिए, मुझे एक एरे वो भेजना चाहिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे, राइट, और ऑब्जेक्ट में ना ऐसे मैसेज करके मुझे भेजना चाहिए। हाँ, ऊपर भी मैंने ये गड़बड़ की है तो मुझे होप, हाँ होपफुली मुझे जो है ना इसको यहाँ पे ऐसे मैसेज करके भेजना चाहिए, क्योंकि ये एक मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था शुरू में कि जी हम जो भी भेजेंगे ना वो मैसेज करके भेजेंगे। ठीक है, अच्छा इस तरह करके भेजने में हमारे पास एक ओपनिंग रहती है कि जी मैसेज के अलावा कोई दूसरी की भी भेज सकता हूँ मैं। ठीक है, अदरवाइज़ अगर मैंने प्लेन स्ट्रिंग भेजा हुआ है ना और जहाँ पे बंदे ने उसको पकड़ा है उसने प्लेन स्ट्रिंग को पकड़ के कंसोल पे प्रिंट किया है या यूज़र को दिखाया है या उससे कोई मतलब निकालता है वो, तो अब अगर क्या होगा कि बाद में उस स्ट्रिंग को मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता और उस स्ट्रिंग के साथ मैं कोई एडिशनल डेटा भी नहीं भेज सकता। ठीक है, अब मेरे पास ना अगर मैंने मैसेज करके पकड़ा है ना तो सामने से जो भी उसको इस्तेमाल कर रहा होगा वो डॉट मैसेज को करेगा कॉन्सोल या डॉट मैसेज को स्क्रीन पे दिखाएगा, तो मैं मैसेज के साथ कल को कोई और भी की भेज दूँ तो मैं भेज सकता हूँ, पॉसिबल है मेरे लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जेसन बना के भेजूँ बजाय प्लेन स्ट्रिंग भेजने के। अच्छा जी, ये हो गई, हाँ डॉट जेसन भी लिख सकते हैं। डॉट सेंड और डॉट जेसन में डिफरेंस ये है कि डॉट जेसन में सिर्फ जेसन जाता है और डॉट सेंड जो है वो स्मार्ट है, वो जेसन को भी एक्सेप्ट कर लेता है, प्लेन टेक्स्ट को भी एक्सेप्ट कर लेता है,
इवन फाइल वगैरह को भी एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसलिए सेंड जो है वो ज़रा सा ऑल इन वन है, वो समझ जाता है बात खुद ही। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट गेट करने वाला आइटम हो गया। ठीक है, आप सब लोगों ने ये कर लिया है होपफुली। कौन मुझे बताएगा इसमें कोई एरर है तो नहीं है? कोई एरर है तो मुझे बताओ। एरर तो है इसमें एक आदत, इस लाइन में एरर है। आईडी में, हाँ भाई सही कह रहे हैं ये, फाइंड वन, हाँ फाइंड वन भी होगा वैसे तो, क्योंकि फाइंड वन, अच्छा फाइंड और फाइंड वन में क्या डिफरेंस है? फाइंड वन में, फाइंड में और फाइंड वन में ये डिफरेंस है कि मैं आईडी देता हूँ ना कि भाई इस आईडी से मैच करता हुआ जो डॉक्यूमेंट है वो ले आओ, तो फाइंड वन क्या करता है कि जैसे ही उसको पहला डॉक्यूमेंट मिलता है ना इससे मैच करता हुआ, वहीं से वापस आ जाता है, यानी ब्रेक करता है, लूप को ब्रेक करता है वो। ठीक है, ऑन अदर एंड अगर मैं फाइंड वन नहीं लगाता, मैं सिर्फ फाइंड लगाता हूँ, तो वो क्या करता है, उसको पहला डॉक्यूमेंट मिल भी जाता है ना, तब भी वो डेटाबेस में आखिर तक उस आईडी से या उस की से या उस क्राइटेरिया से डॉक्यूमेंट को आखिर तक वो तलाश करता है कि शायद मुझे कोई दूसरा भी मिल जाए, तीसरा भी मिल जाए, 10, 12, 15 जितने डॉक्यूमेंट मिलेंगे उस क्राइटेरिया पे वो सबको लाने की कोशिश करता है। फाइंड वन क्या करता है, पहला ही जैसे मिलता है बस वैसे ही वापस आता है। मुझे पता है कि आईडी मेरे डेटाबेस में यूनिक है तो एक ही होगा, एक से ज़्यादा होगा नहीं, तो अगर मैं फाइंड वन लगाता हूँ तो इट विल सेव मी सम टाइम सम रिसोर्सेज, तो बेहतर है कि मैं फाइंड वन लगाऊँ, लेकिन अभी भी एरर अपनी जगह है वो। उस आईडी का प्रोडक्ट नहीं हुआ तो एम्प्टी एरे देगा ये, यानी जहाँ पे मैं एरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे एम्प्टी एरे होगा, तो मैं उसको एज इट इज़ ही भेजूँगा, उसको मैं कोई चेक नहीं लगा रहा उसके ऊपर कि भाई उसमें हाँ चला के तो देखेंगे, लेकिन तुम लोगों ने कर लिया ना ये वाला कोड। डॉलर का साइन कहाँ लगता है? यहाँ पे, इधर, यहाँ, इधर, नहीं नहीं वो तो ऑपरेटर लगाते हैं ना, जब वो तो जब लगाते हैं ऑपरेटर होते हैं वो, तो हम तो कोई ऑपरेटर नहीं लगा रहे। ऑपरेटर क्या होते हैं भला कि जी, वो मिसाल के तौर पे अगर मैं दो क्राइटेरिया लगा रहा हूँ, अगर मैं दो क्राइटेरिया लगा रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं लगाता हूँ डॉलर और लगाता हूँ यहाँ पे, इस तरह करके मैं ऑपरेटर एक लगाता हूँ, और फिर मैं ऐसे करता हूँ, पता नहीं इसमें फिर एरे लगता है शायद। वेल अभी वो हम कर नहीं रहे तो उसको छोड़ देते हैं। अपडेट में भी लगाना पड़ता है, यस अपडेट में भी लगा सकते हैं वो। इस लाइन में एक एरर है भाई, चला के देख लेते हैं। चलो गेट वन, हाँ यहाँ से आईडी कॉपी करते हैं पहले, गेट ऑल प्रोडक्ट्स में से। सही है जी, पहले प्रोडक्ट की मैंने आईडी कॉपी कर ली, गेट अ प्रोडक्ट, और यहाँ पे मैंने वो आईडी पेस्ट कर दी। यस हमारी नीचे, यस गेट अ सिंगल प्रोडक्ट, इसको बंद भी कर देते हैं ना, और इन सबको क्लोज भी कर देते हैं। वेल ट्राइंग टू सेंड इट, ठीक है, फेल टू गेट प्रोडक्ट, प्लीज़ ट्राई लेटर, ठीक है, एरर आ गया, ऑब्जेक्ट आईडी करके भेजनी होगी। सही है, ठीक है भाई बताओ। हाँ फाइंड वन कर्सर भी नहीं करता रिटर्न, तो फिर मेरे पास यहाँ पे कर्सर नहीं होगा बल्कि डायरेक्ट जो है वो प्रोडक्ट डेटा होगा। ठीक है, और ये लाइन अब मेरी, अब ऑब्वियसली यही लाइन मेरी क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। और ये पूरी लाइन मुझे हटा देनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब इसको जो है ना, ये देखो असल में जो अंडरस्कोर आईडी है ना वो क्या होता है, ये प्लेन स्ट्रिंग नहीं होता है MongoDB के अंदर। अगर मैं MongoDB के डैशबोर्ड पे जाऊँ और यहाँ पे जाके मैं तुम लोगों को अगर ये डॉक्यूमेंट दिखा पाऊँ, तो यहाँ पे देखो कि जो है ना प्रोडक्ट्स में गया मैं, और एक ही प्रोडक्ट अभी मेरे पास ऐड है, तो ये देखो ये प्लेन स्ट्रिंग नहीं है। नेम इज़ अ प्लेन स्ट्रिंग, डिस्क्रिप्शन इज़ अ प्लेन स्ट्रिंग, बट ये वाला जो पार्ट है ना ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप है, तो इसको हम अगर प्लेन स्ट्रिंग भेजेंगे तो उसको समझ ही नहीं आता। तो इसको मुझे क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट आईडी बनाना होता है। ऑब्जेक्ट आईडी मैं कैसे बनाता हूँ, यहाँ से मैं इसको ऑब्जेक्ट आईडी को इम्पोर्ट करता हूँ, ठीक है, और ऑब्जेक्ट आईडी को इम्पोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आके ना इसको बोलता हूँ क्या, ऑब्जेक्ट आईडी हो आप, हाँ मोंगोज़ में भी ऐसे ही होता है कुछ जगहों पे, उसमें वो ऑटो
कर लेता है पार्स, लेकिन बहुत सारी जगहों पे मुझे करना पड़ता है उसके अंदर भी, राइट। मोंगो ऑब्जेक्ट आईडी करके जो है ना मुझे देना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मुझे देख लेते हैं ना, ऑब्जेक्ट आईडी मोंगोस फाइंड क्वेरी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, ये देखो बंदे ने सवाल पूछा है कि कैन नॉट फाइंड डॉक्यूमेंट सर्चिंग बाय ऑब्जेक्ट आईडी यूजिंग मोंगोस। अब देखो इसने क्या किया है यहाँ पे कि फाइंड लगाया है और क्लाइंट आईडी करके इसने रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स को डायरेक्ट यहाँ पे पास कर दिया, नहीं मिल रहा, सही है। क्लाइंट आईडी जब इसने बोला है ना, तो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह दे सकते हैं, मतलब मसला नहीं है। नहीं, इस तरह भी हो जाता है एक्सप्रेस में ना, इस तरह भी गेट हो जाता है, ठीक है। काम तो इसने सही किया ये वाला, लेकिन असल में इसने क्या काम किया है वो नहीं लगाया है इसने। ये रहा ना डॉट टू ऑब्जेक्ट आई डी इसने करके, असल में इसने कस्टम एक अपना बना लिया है, कस्टम नहीं, इसमें एक बिल्टन भी होता है, ये है ना जो रिक्वायर मोंगोस डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आई डी, ये ऐसे करके इसने एक वेरिएबल में पकड़ा है और उससे ये कन्वर्ट मार के पता नहीं ये कस्टम फंक्शन बना दिया है। इसने देखो सही इसको जवाब दिया है, इसने बोला भाई आप इसको ऐसे रिक्वायर करो ऊपर ऑब्जेक्ट आई डी को, ऐसे रिक्वायर हो जाता है, यानी ये समझ लो कि डिस्ट्रक्चरिंग किया हुआ है ES5 के ज़ुबान में, ये डिस्ट्रक्चरिंग करके ना ऑब्जेक्ट आई डी को रिक्वायर किया है। और जो हमने यहाँ पे इस तरह से किया ना, जो हमने ये वाला काम किया है, यही सेम काम इसने मोंगोस से रिक्वायर किया था ये वाला। और इसने बोला है कि भाई जब भी आप दोगे ना कंपेन आई डी इक्वल्स टू करके, आप प्लेन स्ट्रिंग नहीं दोगे, आप ऑब्जेक्ट आई डी करोगे। अच्छा, ये न्यू भी लगेगा हमारे वाले में भी, अभी हमारे वाले में देखो न्यू का एरर देगा, वो बोलेगा ये देखो इस पर हाथ रखता हूँ ना, ये बोलता है क्लास है ये, तो इसको जब भी मैं इस्तेमाल करूँगा तो इसको मैं कैसे इस्तेमाल करूँगा, मैं इसको न्यू लगा के इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। ऊपर चला गया, नहीं ये रहनी चाहिए, इसको यार ज़रा ना मैं कोलैप्स कर देता हूँ, समझ नहीं आता, ये गुम हो जाता है, ठीक है जी। पोस्ट को भी मैंने बंद कर दिया, और ठीक है जी ये हमारे पास आ गया वही वाला वापस। तो यहाँ पे मुझे जो है ना न्यू भी लगाना पड़ेगा, बगैर न्यू के मैं करके देखता हूँ, इस पर भी एरर देगा ये, हिट किया मैंने, एरर दिया अभी भी इसने दोबारा, ठीक है। अच्छा, सर्वर पे एरर प्रिंट नहीं हुआ, प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन जो है ना एरर इसने अभी भी दिया। अच्छा, अब प्रिंट हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्ट आईडी कैन नॉट बी इन्वोक विदाउट न्यू, तो इसने ये न्यू वाला भी दे दिया एरर, मैंने कहा न्यू लगाओ इसमें, और अब ये क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। ठीक है, तो जी एक प्रोडक्ट की मेरे पास जो मैंने आईडी दी थी उस नाम से मिल गया है। अच्छा, अगर मैं प्रोडक्ट आईडी को मॉडिफाई कर देता हूँ जिस नाम से कोई चीज़ मुझे मिलेगी नहीं, तो अब ये क्या करेगा, किस चीज़ का एरर देगा, एम्प्टी एरे देगा, सोच लो। मोस्ट प्रॉब्ली ये एरर देगा, क्योंकि जब उसको वो ऑब्जेक्ट आईडी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा ना, वो कर नहीं पाएगा, सही है, एरर दे दिया इसने, ठीक है। जब उसको ऑब्जेक्ट आईडी में कन्वर्ट करने की कोशिश की है ना इसने, तो उसको कर नहीं पाया, ठीक है। आर्गुमेंट पास्ड मस्ट बी स्ट्रिंग ऑफ 12 bytes, 12 bytes का क्या मतलब है, ठीक है। तो उसने बोला कि यार एक सर्टेन साइज का मुझे चाहिए यहाँ पे इस जगह पे, तो जब तक वो उतना बड़े साइज़ का नहीं होगा ना, जब तक उसको वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो लिहाजा ये एरर है। तो अब मुझे वैलिडेशन लगाने की ज़रूरत है इस एपीआई में, क्या वैलिडेशन लगाऊंगा मैं, हाँ 12 नहीं, इसकी एक वैलिडेशन की एक वो आती है कि वो इज़ वैलिड ऑब्जेक्ट आईडी करके वैसे आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आईडी MongoDB Node.js, ठीक है। ये बंदे ने सवाल पूछा है भाई, आके देख लेते हैं क्या बोला इसने, ठीक है। ऑब्जेक्ट आईडी के ऊपर ही डॉट लगा के इज़ वैलिड करके ये मुझे बता देता है कि ये वैलिड है या नहीं है, ठीक है। और अब ये रिस्पॉन्स में, मतलब इज़ वैलिड में क्या ये ट्रू फॉल्स देता है, क्या देता है, ये नहीं इसने बताया, सॉरी
ये वाला अच्छा, ये कोई लाइब्रेरी है बीसॉन, यहाँ से इसने ये फंक्शन लिया है। मोंगो डी बी में अपना भी वैसे अच्छा, ये मोंगोस के अंदर भी होता है, इज वैलिड ऑब्जेक्ट आई डी करके एक मेथड होता है, लेकिन हम मोंगोस इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, इसने ये डू नॉट वाला भी कुछ बताया है कि भाई ये आपने नहीं करना इस तरह। ठीक है, सम 12 बाइट स्ट्रिंग, अब कह रहे हैं कि आपने इसका सिर्फ लेंथ चेक नहीं करनी आपने, क्योंकि लेंथ के अलावा भी कुछ चीज़ें इसमें ये शायद चेक करता है और जो है ना उसको इन्वॉल्व करता है। ठीक है, डू नॉट टू कह रहे कि अब ये पता नहीं कोई लंबी बात की है इसने, उसको पढ़ने का भी मेरे ख्याल है टाइम नहीं है। तो अच्छा, किसी ने बताया कि यार ये आप रेगुलर एक्सप्रेशन मैच कर लोगे तो भी इसका मतलब है कि ये सही है। इसमें मतलब इसने बोला 0 से 9 तक हो और ए से लेके एफ तक हो और 24 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो, ये 24 कैरेक्टर का हो एग्जैक्टली, तो ये सही है। अच्छा, मोंगो डी बी का किसी ने कोई लाइब्रेरी का वो नहीं बताया कि भाई मोंगो डी बी में इसको कैसे वेरीफाई करेंगे हम। वो रिजिक्स था, यस। मोंगो डी बी की लाइब्रेरी में कैसे होगा ये काम, किसी ने भी जिक्र नहीं किया। ठीक है, वेल हम ज़रा तुक्का लगाते हैं, क्योंकि ये जो हमारा है ना ऑब्जेक्ट आईडी, इसके ऊपर डॉट लगा के मोंगोस में मिलता है, तो होपफुली इसमें भी इन्होंने डॉट लगा के कुछ रखा होगा। इज वैलिड आ गया डॉट। ठीक है, इज वैलिड के अंदर हम क्या लगा देंगे, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी, और इज वैलिड पे हाथ रखूँगा मैं तो मुझे ये बता देगा कि ये बूलियन रिटर्न करता है। ठीक है, अच्छा, और बूलियन रिटर्न करने के अलावा ये एसिंक वगैरह कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये लोकल ही इसको चेक कर रहा है, तो मुझे यहीं पे क्या मिल जाएगा, इक्वल्स इक्वल्स क्या मिल जाएगा, ट्रू या फॉल्स मुझे मिल जाएगा। तो मैं कहता हूँ इक्वल्स इक्वल्स अगर ये फॉल्स हो जाए तो क्या कर दो आप, यहाँ पे बता दो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और क्या लिखूँ यहाँ पे मैं 40। हाँ भाई, क्या लिखूँ, यही तो मोंगो डी बी का ही तो फंक्शन है, ये वायलेट ये। हाँ, तो वो मोंगो डी बी डॉट हमने इसको डी स्ट्रक्चर करके उठाया है ना, ये हमने देखो अंदर से उठा लिया। अच्छा, अगर हम इसको उठाते ना मोंगो डी बी यहाँ लिखते तो फिर हम मोंगो डी बी डॉट मोंगो क्लाइंट लिखते, मोंगो डी बी डॉट ऑब्जेक्ट आई डी डॉट इज वैलिड लिखते, ऐसे लिखते फिर हम। अच्छा, यहाँ पर भाई मैं लिखूँगा 403। ठीक है, फॉरबिडन, कि इस तरह की रिक्वेस्ट आप नहीं भेज सकते, गलत आईडी लिख के भेजी ना उसने, हमने मना किया भाई कि भाई आईडी जब भी भेजोगे आप सही भेजोगे, गलत आईडी भेजना मना है। और डॉट सेंड मैंने कहा कि भाई रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग, सही है। हाँ, मैसेज में करके लिखना है मुझे ऑब्वियसली। सही है, रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग, शायद मुझे यही लिखना चाहिए मैसेज यहाँ पे, क्योंकि देखो ये मिसिंग तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक यहाँ पे आईडी होगी नहीं, एपीआई हिट नहीं होगी, तो मिसिंग नहीं है ये। ठीक है, हाँ, इनकरेक्ट पोस्ट आईडी, इनकरेक्ट क्या था हमारा, पोस्ट था, प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट प्रोडक्ट आईडी। डायनेमिकली क्या मतलब, अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो कि क्या प्रोडक्ट को ऐड करते वक्त क्या मैं ये आईडी अपनी मर्जी की भी रख सकता हूँ या नहीं। हाँ हाँ, तुम्हारा हाँ, तुम्हारा अगर मैं सवाल सही समझाऊँ तो तुम ये पूछ रहे हो कि भाई जब मेरे पास एक यूआई बनी हुई होगी और उस यूआई के ऊपर मैं किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा तो सिंगल प्रोडक्ट खुलेगी, तो इस पॉइंट पे तो ये चांस ज़ीरो हो गया कि गलत आईडी मेरे पास आए कभी भी आए। हाँ, तो अच्छा सवाल है ये, सही है, क्या ख्याल है क्यों कर रहे हैं हम ये सवाल, तो अच्छा पूछा है इन्होंने। इन्होंने बोला कि यार जब यूआई से क्लिक होके आएगा ना मेरे पास रिक्वेस्ट, तो यूआई से रिक्वेस्ट हम बना के भेज रहे होंगे, तो वो ऐसी प्रोडक्ट पे क्लिक हो ही नहीं सकता जो एग्जिस्ट ना करती हो, या ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई प्रोडक्ट स्क्रीन पे स्क्रीन पे आ रही है और उसका आईडी गलत हो, ये तो हो ही नहीं सकता।
तो अब फिर भी हम इस पे वैलिडेशन क्यों लगा रहे हैं, क्या लगाना ज़रूरी है हमें ये वैलिडेशन? API कहीं से भी कॉल हो सकती है, तो गलत भी कॉल हो सकती है। हाँ भाई, सर आईडी जो इनपुट फील्ड के अंदर पेस्ट करनी है ना, हाँ जो तो फिर अब वो आईडी अगर गलत होगी नहीं तो मैं उसकी फॉर्म से थोड़ी, वैलिडेशन कहाँ नहीं मैं तुम थोड़ा पीछे रह गए। देखो ये वाली जो गेट सिंगल प्रोडक्ट है ना, ये मैं कभी हाथ से एंटर नहीं करूँगा। ये तो मेरे पास जैसे फेसबुक में आता है ना, 10-12 पोस्ट खुली हुई है, किसी एक पोस्ट पर मैं क्लिक करता हूँ तो सिर्फ वो पोस्ट बड़ी होकर खुलती है, ये तो वो सिचुएशन होगी। तो क्लिक तो मैं करूँगा इसके ऊपर, इसको मैं इस आईडी को मैं हाथ से कभी नहीं टाइप करूँगा, यूआई के ऊपर ये हमेशा क्लिक करके खुलेगा। ठीक है, अच्छा ऐसा ही होगा हमेशा, और चांसेस इसके बहुत कम होंगे कि ये गलत हो, लेकिन स्टिल मैं सर्वर पे क्या करूँगा, इसकी वैलिडेशन फिर भी लगाऊंगा। अच्छा फ्रंट एंड पे अलग वैलिडेशन होती है, अगर फ्रंट एंड पे यूज़र कोई डेटा दे रहा होता है तो फ्रंट एंड पे अलग होती है, सर्वर पे अलग होती है। फ्रंट एंड के ऊपर जो वैलिडेशन होती है वो यूज़र एक्सपीरियंस के लिए होती है। फ्रंट एंड के ऊपर हम आप हमेशा याद रखें, चाहे वो फॉर्म हो चाहे वो किसी भी किस्म का डेटा इनपुट या आउटपुट, फ्रंट एंड पे जो हो रहा है, फ्रंट एंड पे कोई भी वैलिडेशन आप सिक्योरिटी के लिए नहीं लगाते, वो यूज़र एक्सपीरियंस के लिए लगाते हैं। कि जी यूज़र फॉर्म फिल कर रहा है, उसको आप बता दें कि भाई तुमने ईमेल गलत लिख दी है, या उसको आप बता दें कि यार जो साइनअप फॉर्म में आप ईमेल लिख रहे हो ये पहले से कोई ले चुका है, तो ये यूज़र एक्सपीरियंस के लिए होता है। ठीक है, वो बस राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करेगा, रिक्वायर्ड हटाएगा, हो गया ख़त्म गेम। अब वो सबमिट करेगा, जाएगा डेटा सर्वर पर। ठीक है, सर्वर के ऊपर ऑन अदर एंड जो वैलिडेशन लगती है वो लगती है सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, रिलायबिलिटी के लिए, रोबस्टनेस के लिए। सर्वर, क्योंकि मेरा सर्वर जो है ना ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई भी किसी भी तरीके से रिक्वेस्ट मारे ना, मेरा सर्वर इतना रोबस्ट होना चाहिए कि वो ब्रेक ना करे, सही है, उस एरर को वो हैंडल करे और उसका वो जवाब दे। सही है, एक छोटा सा बच्चा नहीं होता, बड़ा तेज़ होता है, उसको कुछ भी बोलो उसके मुंह पे जवाब रखा हुआ होता है। तुम्हारा सर्वर वैसा होना चाहिए कि कोई भी कैसा भी कुछ बोल दे ना तो वो जवाब दे सामने से। ऐसा ना हो कि सर्वर हैंग हो जाए, ऐसा ना हो कि सर्वर में कोई एरर आए और सर्वर ब्रेक हो जाए मेरा। वैसे तो जब आपके गूगल ऐप इंजन पे जब आपकी सर्वर को जब हम डिप्लॉय कर देते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद अगर सर्वर मेरा क्रैश भी होता है इवन, तो वो सेल्फ हीलिंग उसमें कोई ना कोई चीज़ रहती है हर जगह पे। तो वो क्या होता है कि अगली रिक्वेस्ट आती है जैसी, तो वो दोबारा से उसको बूट करने की कोशिश करता है आपके सर्वर को। तो ये तो होता है, ऐसा नहीं है कि आपका सर्वर अगर एक बार ब्रेक हो गया तो वो ब्रेक ही हुआ पड़ा रहेगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन कि किधर आपने डिप्लॉय किया, वो सेल्फ हीलिंग करने की कुछ ना कुछ एफर्ट करेगा वो प्लेटफॉर्म। तो लेकिन स्टिल आपका जो सर्वर है उसके ऊपर हम ये वैलिडेशन लगाते हैं, क्योंकि वैसे तो वेब एप्लीकेशन से कॉल हो रही है, लेकिन कोई बंदा आपके उस API को लेके एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास गलत प्रोडक्ट आईडी आती है जिसकी वजह से आपका सर्वर क्रैश होता है और 5-6 सेकंड लगते हैं उसको सेल्फ हीलिंग के लिए, अगर कोई बंदा वो API उठा ले आपकी और हर 5 सेकंड पर उसको कॉल करे, तो आपका सर्वर क्या होगा, हर 5 सेकंड पर क्रैश होगा और 5 सेकंड के लिए वो डाउन हो जाएगा, तो आपका सर्वर कम्प्लीटली डाउन हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेते हुए, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, अच्छा या तो अगर प्रोडक्ट कोई इंसर्शन हो रही है, कोई इंसर्ट कर रहे हैं आप डेटा में और उसमें आपने कोई वैलिडेशन नहीं लगाई, अगर आपने ये वैलिडेशन नहीं लगाई कि जो डिस्क्रिप्शन है उसका टेक्स्ट कितना लंबा हो सकता है, यानी 300 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकता, अगर आपने ये वैलिडेशन नहीं लगाई है तो बंदा क्या करेगा, आपका जो फ्रंट एंड का फॉर्म है उसमें पूरा विकीपीडिया का पेज कॉपी करेगा, आपके फॉर्म पे डिस्क्रिप्शन में डालेगा और पोस्ट कर देगा, आपका डेटा उसको एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि डेटाबेस में भी कोई वैलिडेशन नहीं है। अच्छा अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका जो डेटाबेस है वो एक्सप्लॉइट होगा, आपकी रिसोर्सेज जो हैं वो ज़ाया होंगी और कोई आपके मतलब बड़े आसानी से कोई आपके रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को जो है हम सर्वर पे भी हैंडल करते हैं, फ्रंट एंड के ऊपर भी फॉर्म पे लगेगा वो वैलिडेशन कि जी मैक्स लेंथ और 300 के 300 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो, लेकिन ये मैं अगेन बैक एंड पे लगाऊंगा क्योंकि फ्रंट एंड वाले का कोई मसला नहीं है ना, वो तो उसको बाईपास करना, वो तो यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, थोड़ा सा HTML वगैरह आता हो बंदे को, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करेगा, मैक्स लेंथ को हटा देगा, फिर जितना मर्जी लिखता रहे वो, समझ रहे हो? तो सर्वर के ऊपर हमेशा सिक्योरिटी के लिए। अच्छा यहाँ पे इक्वल इक्वल्स फॉल्स लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ऑन अदर एंड क्या करूँगा, मैं यहाँ पे नॉट लगाऊंगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट आईडी इज़ वैलिड और साथ में मैंने नॉट लगाया कि भाई नॉट वैलिड अगर हो तो यहाँ पे इस तरह से आप उसको जवाब दे दो। अच्छा सिंगल प्रोडक्ट गेट करना हम सीख गए इसमें। हाँ बताओ। हाँ रिटर्न नहीं करवाया, सही है, रिटर्न यहाँ पे कराना ज़रूरी है, अदरवाइज ये ट्राई भी कर देगा, एरर भी यहाँ पे रिस्पॉन्स भेज देगा, फिर ट्राई भी करेगा और फिर जो है ना यहाँ पे दोबारा रिस्पॉन्स भेजेगा। ठीक है जी,
ठीक है, यहाँ तो मैंने रिटर्न कर दिया। अब अगर ये इफ़ का ब्रैकेट अगर एग्जीक्यूट होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आईडी गलत भेजता है तो ये यहीं पे रिटर्न कर देगा, आगे नहीं जाएगा अभी। ठीक है, ऑन अदर एंड अब अगर वो पास हो जाता है, आगे बढ़ता है तो ट्राई करेगा, अगर ट्राई पास होता है तो ये वाला रिस्पॉन्स जाएगा, कैच नहीं चलेगा। अगर ट्राई सक्सेसफुली रन हो जाता है तो कैच नहीं चलेगा। ठीक है, इफ एल्स वाला हिसाब के बाद है कि या तो ट्राई चलेगा एक वक्त में या तो कैच चलेगा। अगर ट्राई की एक लाइन या दो लाइन चलने के बाद वो फेल होता है ट्राई, तो वो कैच में आगे गिरेगा और कैच चलेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने अगला काम क्या करना है? अगला काम हमने ये करना है कि जी इसको डिलीट वाली चलो API बना लेते हैं। अच्छा, डिलीट में भी क्या होता था, हम क्या करते थे, ये पूरे को हम ज़रा इज़ फाउंड लगा के और वो एरे पे लूप घुमाते थे और वो सब करते थे। अब हमें इतना लंबा काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो काम हम किस पे करते हैं, ये गेट वन पे करते हैं ना, वही काम हम इस पे भी करेंगे। ऑब्जेक्ट आईडी पहले तो हम वैलिडेट करेंगे ऑब्वियसली, और ऑब्जेक्ट आईडी वैलिडेट करने के बाद यही वाला सारा काम एक्चुअली हम डिलीट में भी कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट आईडी मुझे इसी तरह इसमें वैलिडेट करनी है, इनकरेक्ट प्रोडक्ट आईडी कर दिया मैंने इस पर। और ट्राई करने के लिए अब मैं क्या करूँगा, फाइंड वन के ऊपर, ठीक है, डिलीट वन लगा दूँगा यहाँ पर। डिलीट वन हमारे पास मौजूद है। डिलीट वन के बारे में क्या है कि डिलीट आर डॉक्यूमेंट फ्रॉम कलेक्शन, और ये रिटर्न मुझे क्या करता है, रिटर्न मुझे करता है प्रॉमिस ये, और प्रॉमिस के अंदर डिलीट रिजल्ट मुझे ये ला कर देता है। ठीक है, अब डिलीट रिजल्ट क्या चीज़ है, इसके बारे में इन्होंने ज़्यादा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि ये डिलीट रिजल्ट क्या चीज़ है। डिलीट रिजल्ट के अंदर क्या मैं जाके देख सकता हूँ, नहीं। ठीक है, होपफुली डिलीट का जो रिजल्ट है वो एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर ये बातें लिखी भी होती हैं कि कितने डॉक्यूमेंट इस क्वेरी की वजह से किन किन डॉक्यूमेंट पर असर पड़ा है, यानी कि मतलब 3 डॉक्यूमेंट्स चेंज बिकॉज ऑफ दिस क्वेरी, तो इस तरह की बात उसमें लिखी होती है। और उन तमाम डॉक्यूमेंट्स का जो इस क्वेरी की वजह से जिन पे असर पड़ा है, उनकी IDs और उनके बारे में कुछ मजीद डिटेल्स इस प्रोडक्ट डेटा के अंदर मुझे मिलती है। ठीक है, एहतियातन मैं इसको ज़रा कॉन्सोल भी करा लेता हूँ ताकि मैं देख भी लूँ कि इसमें मुझे क्या कुछ मिल रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट डिलीटेड और दो चीज़ें आएंगी, नहीं अब तो ये हम मैसेज को चेंज करेंगे ना, प्रोडक्ट डिलीटेड लिखेंगे हम सक्सेसफुली, और डेटा के अंदर कुछ भी नहीं भेजेंगे, डेटा खाली होगा हमारा। ठीक है जी, तो ये मैंने डिलीट करने की कोशिश की है इसको, और डिलीट करने पे मैंने कंसोल पे इसको प्रिंट भी करवा दिया है जो चीज़ मुझे यहाँ पे मिलती है। ठीक है, होपफुली ये मैं अगर डेटा भेजना चाहूँ फ्रंट एंड पे तो भेज भी सकता हूँ, इसमें देख लूँगा मैं, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। दैट्स इट, फेल टू डिलीट प्रोडक्ट अब मैं यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है जी, चलो आओ इसको अब ज़रा ट्राई करते हैं चला के, और इसी प्रोडक्ट को जो मैंने, अच्छा ये तो इनकरेक्ट कर दिया था ना मैंने इसको, ठीक है जी, ये मेरे पास एक अदद प्रोडक्ट आईडी है, इसी को मैं क्या करता हूँ कॉपी करता हूँ और इसी को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। पेस्ट किया मैंने जी, और इसको मैंने डिलीट, प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब आ जाते हैं ज़रा देख लेते हैं यहाँ पे इसने क्या प्रिंट किया है। दो बातें लिखी हुई हैं, एक्नॉलेज ट्रू और डिलीट काउंट वन लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि क्या हो गया, मेरा प्रोडक्ट डिलीट हो गई है सक्सेसफुली। अगर मैं इसको अगेन चलाता हूँ तो भी ये क्या बोलेगा, डिलीटेड सक्सेसफुली ही बोलेगा, लेकिन अब की बार जो यहाँ पर डिलीट काउंट ज़ीरो आया है कि जी वो एक्नॉलेज तो हो गया कि हाँ मुझे ये क्वेरी सही तरह से मिल गई है, मैंने चला भी दी है, लेकिन इस क्वेरी के चलने से डिलीट कुछ भी नहीं हुआ, ज़ीरो डिलीट हुआ। हाँ, इसमें अगर मैं चाहूँ तो वैलिडेशन लगा सकता हूँ कि भाई नो प्रोडक्ट फाउंड विद दिस आईडी, इस तरह करके। ठीक है, चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी फ़िलहाल के लिए इस कोड को हम इतना ही पे रखते हैं। हाँ, फ्रंट एंड पे दिखेगा नहीं मुझे कि डिलीट हुआ है या नहीं हुआ, बस फ्रंट एंड में जब भी मारूंगा वो एक्नॉलेज करेगा कि डिलीटेड। सही है, तो आप, मेरा ख्याल है इसमें समझ तो आ गया ये है ना, तो इसको ज़्यादा कोड मेरा ख्याल है अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली भी होता है, फाइनली हर दफ़ा चलता है, फाइनली बिल्कुल होता है यहाँ पे। हाँ, तुम भी ये पूछ रहे थे ना, देन कैच जो है वो, ठीक है। अच्छा, फाइनली का केस क्या है कि फाइनली ना हर दफ़ा चलता है, मतलब ट्राई चलेगा, अगर ट्राई में एरर आ गया तो कैच पे जाएगा ये, और अगर ट्राई में एरर नहीं आया तो ट्राई पूरा चलेगा। लेकिन आया कि या तो ट्राई चले या तो कैच चले, फाइनली लेकिन आखिर में लाजमी चलेगा। यूज़ केस भाई मेरे तो समझ नहीं आता इसका क्या है।
हो सकता है कभी ज़रूरत पड़े तो, मतलब समझ गया ना तुम ये कि फाइनली हर दफ़ा चलता है। मिसाल एरर भी होगा तब भी चलेगा और एरर नहीं आएगा तब भी चलेगा। हाँ मे भी बड़ा अच्छा शहजाद ने बताया कि भाई एरर हो या नहीं हो, मैंने लोडिंग लेकिन फॉल्स करानी है हर हाल में, तो मैं फाइनली में करूँगा। लेकिन मेरा एक सवाल है इसमें भी कि अगर मैं वो कैच का जहाँ पे ब्लॉक ख़त्म हो रहा है और मैं इस जगह पे अगर कर दूँ उसको, यहाँ पे फॉल्स करा दूँ, तो बात तो वही है। ठीक है, असल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कुछ यूज़ केसेस इस तरह के होते हैं जिसमें फाइनली की ज़रूरत पड़ती है। फंक्शनल में मेरा ख्याल है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे तो नहीं पड़ी आज तक। ठीक है, अच्छा जो देन कैच जो तुम बता रहे हो वो ज़रा सा पुराना माल है, ES5 का है वो, कि जी डॉट देन लगाते थे हम उस पर डॉट कैच लगाते थे, काम वो यही करता था सेम, लेकिन वो ज़रा पुराना आइटम हो गया, अब उसको हम यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, अगर हम करते उसको यूज़ तो हम कैसे करते कि ये जो अवेट लगा हुआ है ना, इसको अवेट नहीं लगाते हम, हम कहते हैं प्रोडक्ट कलेक्शन डॉट डिलीट वन और लास्ट में इसके लगाते हैं हम डॉट देन इधर, और डॉट देन के नीचे डॉट कैच लगाते, काम वही है। देन जब चलता है जब सक्सेसफुल होता, अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो डॉट कैच चलता, लेकिन वो हम अब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये अवेट, हाँ अवेट भी प्रॉमिस है, डॉट देन, देखो प्रॉमिस पे हम डॉट देन ही लगाते थे ओरिजिनली, लेकिन अब प्रॉमिस का जो फ्रंट एंड है ना वो अवेट हो गया, एसिंक अवेट हो गया, अंदर इंजन वही है, प्रॉमिस ही है इसके, हमने ये एसिंक अवेट वाली क्लास में डिस्कस कर ली थी ये बात। अच्छा जी, अब अगला काम हमने क्या करना है, जो अपडेट वाला माल है उसको हमने चेंज करना है। पुट की रिक्वेस्ट है मेरे पास, पुट की रिक्वेस्ट पे मुझे क्या चाहिए, नेम, प्राइस और डिस्क्रिप्शन, मैं तीनों चीज़ें मांगता हूँ इससे। ठीक है, तीनों चीज़ें मांगता हूँ मैं कि भाई तीनों चीज़ें मुझे आप दो, और प्रोडक्ट की आईडी मांगता हूँ, प्रोडक्ट की आईडी को मुझे क्या करना है, वैलिडेट करना है अगेन। अच्छा, ये फॉर का लूप वगैरह जो चलाता था मैं, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है, हाँ इसको मैंने हटा दिया, और ठीक है इफ़ मैंने यहाँ पे लगाया हुआ इतना लंबा चौड़ा सा, इसके नीचे रिटर्न नहीं लगाया, रिटर्न लगा देता हूँ। ठीक है जी, ये इफ़ हो गया, तीन चीज़ें मैंने इफ़ में पकड़ी हुई हैं, और अगला काम मैंने क्या करना है, हाँ वैलिडेशन करनी है इसकी, ऑब्वियसली ये है ना वैलिडेशन इसकी, इसको वैलिडेशन को यहाँ लगा देते हैं इधर इफ़ के नीचे। ठीक है कि जी ये सब चीज़ भी हो और चलो ये भी हो, दोनों इनकरेक्ट आईडी यहाँ पे मैंने अलग बता दी, और यहाँ पे मैंने पूरा वो बता दिया कि जी वो रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग, इस तरह की बात कर दी शायद, बल्कि इसको मुझे टॉप पे लगाना चाहिए पहले, है ना, बाकी बॉडी का तो काम बाद में, पहले यूआरएल में अगर आईडी ही गलत है तो शायद इसको मुझे पहले लगाऊँ बाद में लगाऊँ, बात एक ही है, मतलब काम करेगा ये स्टिल। ठीक है जी, मैंने वैलिडेशन लगा दी ऑब्जेक्ट आईडी की, उसके बाद मैंने बॉडी का जो डेटा है उसकी वैलिडेशन लगा ली कि भाई ये तीनों चीज़ें ही होनी चाहिए, ये मैंने लगा दिया, नो सॉरी तीनों चीज़ें नहीं लगाया मैंने इस वैलिडेशन में, कि कोई एक भी होगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, कोई एक भी हो तो आगे ये बढ़ जाएगा, ये वैलिडेशन में बात लगाई गई है। ठीक है, एटलीस्ट वन पैरामीटर इज रिक्वायर्ड, दो एल्स यूज करें, मतलब हाँ अगर मैं यहाँ पे एल्स इफ भी लगा दूँ तो बात एक ही है, फ़र्क नहीं है कोई, वो इसलिए फ़र्क नहीं है, मैं समझाता हूँ यहाँ पे फ्लो क्या होगा। देखो ये इफ़ चला, अगर तो ये इफ़ ट्रू नहीं होता है, मतलब वैलिडेशन पास हो गई तो ये आगे बढ़ जाएगा, अगर ये इफ़ ट्रू हो जाता है तो इसको मैंने अंदर रिटर्न कॉल किया है, रिटर्न कॉल करने का मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन, फंक्शन कौन सा, ये फंक्शन है ना जो यहाँ से शुरू है और ये पूरा नीचे तक है, ये फंक्शन यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो एक इफ़ पे ये रुक जाएगा। दूसरा इफ़, ये वाला इफ़ भी चेक होगा, अच्छा एल्स इफ़ में तो ये होता है ना कि एक चेक हो गया तो बाकियों को चेक नहीं करता, लेकिन हमें तमाम वैलिडेशन परफॉर्म करनी है हर दफ़ा, तो इसमें एल्स इफ़ लगाऊँ तो भी ठीक है, एक ही बात है, और अलग अलग इफ़ लगाऊँ तो भी एक ही बात है, एक इफ़ में भी दोनों को मैं कर सकता था, लेकिन फिर मैं अलग अलग मैसेज अगर भेजना चाहता हूँ तो स्टिल मुझे फिर दो इफ़ लगाने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं इफ़ को अलग अलग लगाता हूँ इन दोनों को और एक ही इफ़ में लिखता हूँ तब भी मेरा प्रोसेसिंग साइकिल उतना ही इस्तेमाल होगा, ये भी आप जहन में रखें, क्योंकि अगर ऊपर रिटर्न हो गया तो वो तो वहीं से वापस चला जाएगा, लेकिन नॉर्मल केसेस में जो मेरा बेस्ट केस होगा, बेस्ट केस में ये होगा कि सारा का सारा डेटा सही मिलेगा मुझे, तो उसमें ये इफ़ जो परफॉर्म होगा तो ये जितने CPU साइकिल इसने लेने हैं वो ये लेगा, जब ये नीचे वाला इफ़ परफॉर्म होगा तो ये भी कुछ ना कुछ CPU साइकिल लेगा, अगर मैं इसको एक इफ़ में कर दूँ ना जब भी ये उतने ही CPU साइकिल लेगा, अलग नहीं लेगा। ठीक है,
मिसाल के तौर पे समझ लो कि इसको चलाने में 3 CPU साइकिल लगते हैं, वैसे तो 3 नहीं लगते, 30 तक के करीब लगते होंगे, और इसको चलाने में 1 CPU साइकिल लगता है, तो टोटल 4 हैं ये। तो इसको मैं एक इफ में लिखूँ या अलग अलग में लिखूँ? 4 साइकिल ही चलेगा ये, ठीक है? तो अलग अलग मैसेज मैंने भिजवाना है। अच्छा, बॉडी में मैं क्या कर रहा हूँ उस पर फ़र्क पड़ सकता है कि बॉडी में अंदर मैंने अगर कुछ ज़्यादा कोड लिखा हुआ है किसी के तो वो, लेकिन कंडीशन चेक करने की जहाँ तक बात है ना, CPU साइकिल सेम ही रहेंगे। मैं उसको एक इफ में मर्ज कर दूँ या अलग अलग में लिखूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैंने ये बोला है कि भाई कोई एक पैरामीटर भी होगा तो चल जाएगा, मतलब जो चीज़ अपडेट करनी है, जैसे नेम अपडेट करना है तो सिर्फ नेम भेजोगे आप बॉडी में तो भी सही है, तीनों भेज दो तो भी ठीक है, सिर्फ नेम भेजो तो भी सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे एक ऐसा मुझे अब ऑब्जेक्ट फॉर्म करना पड़ेगा जिसमें मैं चेक करूँ कि यार नेम है तो नेम हो उसमें, अदरवाइज ना हो उसके अंदर नेम। तो मैं क्या करूँगा भाई, प्रोडक्ट्स करके यहाँ पे एक प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू, और ऐसे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मैं बना लूँगा, ठीक है? और ये इज़ फाउंड वाला जो है सीन, अब मुझे शायद इसकी ज़ाहिर है ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगा डायरेक्ट डॉट नेम करके इसमें ऐड करूँगा अपना, ठीक है? आई होप कि ये ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है ये आपको समझ आ जाए, ठीक है? अच्छा, प्रोडक्ट्स क्यों है इसके अंदर, सिर्फ प्रोडक्ट होना चाहिए ना, क्योंकि एक सिंगल चीज़ है ये, अगर ये एरे होता तो इसके नाम पे मैं ऐसा लगाता फिर, ठीक है जी? तो ये हो गया प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अंदर अगर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम है, बॉडी में अगर नेम मौजूद है तो मैं प्रोडक्ट डॉट नेम के अंदर ये वाली चीज़ रख दूंगा, ठीक है? अगर प्राइस है तो प्रोडक्ट डॉट प्राइस में मैं वो रख दूंगा, अगर डिस्क्रिप्शन है तो प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन में मैं बात रख दूंगा। अल्टीमेटली इस प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, अगर 3 आइटम है तो तीनों आ जाएंगे, एक है तो एक आ जाएगा, दो है तो दो आ जाएगा, ठीक है? इस तरह से बन जाएगा। अब ये प्रोडक्ट जो है ना, ये वो ऑब्जेक्ट है जो मैंने अपडेट के लिए भेजना है किधर, MongoDB के अंदर, ठीक है? तो MongoDB पे मैं क्या लगा दूंगा, अपडेट 1 का होपफुली इसमें क्वेरी मौजूद होगी, जैसे कि डिलीट 1 ना, पूरे इस ट्राई के ब्लॉक को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है? ऑलमोस्ट वो एक ही चीज़ है, और यहाँ पे मैं आके उसको पेस्ट करता हूँ, और मैं क्या बोलूँगा, अच्छा वेट पे एरर दे रहा है क्योंकि ये एसिंक नहीं है, ठीक है? और मैं अब यहाँ पे डिलीट 1 की जगह में अपडेट 1 लगा दूँगा, ठीक है? आईडी मेरे पास मौजूद है, आईडी के अंदर रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी सही जा रहा है बिल्कुल, और हाँ अब इस पर मैं हाथ रखूँगा ना तो ये देखो मुझे बता रहा है कि अपडेट 1 को क्या चाहिए, फ़िल्टर चाहिए। पहले फ़िल्टर क्या हो, फ़िल्टर की टाइप क्या है? फ़िल्टर जो है वो एक डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है? डॉक्यूमेंट यानी कि एक जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट या जेसन ऑब्जेक्ट होगा, कॉमा डाल के फिर अपडेट मुझे देनी है। अपडेट क्या होगा, ये भी एक डॉक्यूमेंट होगा यानी कि एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होगा, या पार्शल्स होगा। अब MongoDB के अंदर पार्शल क्या होता है वो अलग से देखना चाहो तो देख लेना, और अपडेट डॉक्यूमेंट में और पार्शल में क्या फ़र्क है ये भी अलग से देखना चाहो तो देख सकते हो, अभी उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़, कॉमा डाल के ऑप्शंस भी मैं इसमें पास कर सकता हूँ। ऑप्शंस क्या होगा, या तो अनडिफाइन हो सकता है वो, यानी मैं नहीं दूँ तो कोई मसला नहीं है इसका मतलब है, ठीक है? और या तो अपडेट ऑप्शंस हो सकते हैं। अब अपडेट ऑप्शंस में क्या क्या ऑप्शन है वो हम अभी MongoDB के डॉक्यूमेंट में जाके देख लेते हैं कि इसमें ऑप्शन आया कि कौन कौन से हम पास कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो हम क्या कर देते हैं, इसमें कॉमा लगा के ना, सही है? इसको मैंने 2 लाइनों में ब्रेक किया ताकि ज़रा नज़र आए, क्योंकि ये नज़र नहीं आ रहा था, स्क्रीन में छुप रहा था। यहाँ पर मैंने जो दे देना है इसको प्रोडक्ट, यहाँ पर दे देना है, ये वो प्रोडक्ट है जो मैंने यहाँ पर अभी तैयार किया है, ठीक है? सॉरी, इस ऑब्जेक्ट के बाहर होता है, सही कहा तुमने। हाँ, कॉमा करके जो है ना यहाँ पे ये बनता है। अच्छा, मुझे मतलब ये वाला बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, मैं इसको ऐसे ही पेस्ट कर देता हूँ। सेट क्या मुझे लिखना होता है? नहीं यार, वो सेट का चक्कर असल में ये होता है कि अगर वो एरे है ना तो उसमें वो लगता है $set, वैसे नहीं लगता बगैर एरे, मतलब सिंपल डॉक्यूमेंट। यानी मुझे अभी देखो इसमें ना बोलता है ये कि यार देखो इसने क्या बोला था कि आप क्या दोगे, अपडेट फ़िल्टर दोगे आप, ठीक है? कि जो चीज़ अपडेट करनी है सिर्फ वो आपने देनी है, सब नहीं देना है यहाँ पे, ठीक है? अपडेट द ऑपरेशन, ऑपरेशंस टू बी अप्लाइड टू द अपडेट डॉक्यूमेंट। वेल, चला के देखते हैं इसको। अच्छा, ऑल डॉक्यूमेंट्स को ज़रा गेट करके देखते हैं कि अभी हमारे पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें अवेलेबल है डेटाबेस में। एक ही था शायद, वो हमने डिलीट कर दिया था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। नया डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं, ठीक है? नया डॉक्यूमेंट पोस्ट किया मैंने, ठीक है? और
ABCD करके भी एक पोस्ट कर देते हैं, दो डॉक्यूमेंट पोस्ट कर देते हैं, राइट। अब ज़रा करते हैं गेट ऑल डॉक्यूमेंट, ये दो डॉक्यूमेंट आने चाहिए मेरे पास, सही है जी, दो डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, एक का नाम है ABC और एक का नाम है ABCD। तो जो ABC वाला डॉक्यूमेंट है इसका नाम मैं अगर अपडेट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, अपडेट अ प्रोडक्ट में जाऊँगा, ID पहले तो इसकी मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पे, उसके बाद बॉडी में जाके मैं नाम की जगह मैंने न्यू नेम लिख के भेजना है, तो वो क्या हो जाएगा, उसको वो समझ जाएगा कि हाँ यार ये क्या करना चाह रहा है, ठीक है। ऐसे ही चाहिए, नेम अगर होगा तो सिर्फ नेम जाएगा, अदरवाइज़ बाकी चीज़ें नहीं जाएंगी। मैंने इसको हिट किया और फेल टू डिलीट प्रोडक्ट इसलिए लिखा आ रहा है कि मैं वो चेंज करना भूल गया हूँ। अच्छा, और इसमें एरर भी, इस फाउंड करके कोई वेरिएबल है जो मैंने हटाया नहीं है। यहाँ पे तो ये हो गया, ये सब कुछ ठीक है, यहाँ भी ठीक है, ये अपडेट वन किया है, ठीक है, प्रोडक्ट अपडेटेड लिखूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है। और ये इसमें इस डेटा के अंदर भी ये बाय द वे यही बता रहा था कि कितने प्रोडक्ट अपडेट हुए हैं इस क्वेरी की वजह से, ठीक है। तो इसमें वो एक्नॉलेजमेंट और काउंट आ रहा होगा, अपडेट काउंट, तो दो चीज़ें आ रही होंगी इसमें। तो इसको मैंने कॉन्सोल पे लॉक किया और मैंने कहा कि प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है जी, और फेल टू अपडेट प्रोडक्ट। और यहाँ पे इस फाउंड ये किधर लिखा है मैंने यार, अच्छा इसके और नीचे, अच्छा ये तो है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना मुझे, ठीक है जी। ये इस फाउंड लिखा हुआ था पुराना, जो हमने फ्लैग लगा के जो फॉर लूप लिखा था उसकी वजह से ये था कोड। अब मैं इसको हिट करता हूँ ज़रा, अभी भी फेल टू अपडेट है ये, वाई सेट ज़ीरो ये वाला है। अच्छा आ जाते हैं ज़रा डॉक्यूमेंट में, इसको हम देख लेते हैं के जी अपडेट एंड रिप्लेस, अपडेट अ डॉक्यूमेंट, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया ये मैं भी पहली दफ़ा ही चला रहा हूँ MongoDB के जो अपनी लाइब्रेरी है। अच्छा, क्रिएट अ डॉक्यूमेंट दैट सेट्स द प्लॉट ऑफ अ मूवी। अपडेट वन अपडेट, मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैं एग्जैक्टली ये क्यों लगा रहे हैं डॉलर सेट। डॉलर सेट ऑपरेटर रिप्लेसेस अ वैल्यू और फील्ड विद अ स्पेसिफिक वैल्यू। डॉलर सेट ऑपरेटर एक्सप्रेशन हैज़ द फॉलोइंग फॉर्म बिहेवियर, MongoDB 5.0 सेट 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 एग्जांपल दिस इंसर्ट वन टन टन टन। नहीं, डिस्क्रिप्शन तो लिखी हुई है लेकिन यहाँ सेकंड पैराग्राफ ये वाला, इफ़ द फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट सेट विल ऐड अ न्यू फील्ड। नहीं तो मुझे तो ये नहीं करना ना, मुझे अपसर्ट नहीं करना, ये अपसर्ट बता रहे हैं कि अपडेट भी करेगा और अगर नहीं होगा तो ये नया ऐड भी कर देगा, तो क्या मुझे इसकी ज़रूरत है मेरे वाले केस में। अच्छा, इसने ये इंसर्ट वन किया और अब शायद इस पर यह कुछ परफॉर्म करेगा। अपडेट वन, अपडेट वन पर यह इसने क्वेरी लगाई और ये इसने लगाया डॉलर सेट कि अब ये सेट कराना है इसकी जगह। हाँ, हमारा पूरा ऑब्जेक्ट डलेगा ये, बट क्या ये सेट मेरे लिए लगाना ज़रूरी है? नहीं, सेंटेंस तो यही था। सॉरी, वेल ये अपडेट का डॉक्यूमेंट है ना इसका, वो तो मैंने सेट डॉलर सेट तो देख लिया करता क्या है, वो डॉलर सेट का मतलब ये है कि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो उसको क्रिएट भी कर देगा वो। लेकिन क्या यहाँ पे अपडेट करते हुए इसने कहीं पे ऐसा बताया है कि भाई बगैर सेट के भी उसको चला सकते हैं? अगर तो कहीं पे भी नहीं बताया, फिर हम उसको सेट के साथ ही चला देंगे। सही है जी, रिप्लेस अ डॉक्यूमेंट, रिप्लेस वन। अच्छा, वेल तो या तो हम रिप्लेस कर सकते हैं और अगर हम अपडेट करते हैं तो वो सेट के साथ ही चलेगा। सही है। अच्छा, मोंगोस के अंदर हम इसमें अपडेट करते हुए कुछ भी नहीं लगाते सेट वगैरह। फाइन बाय आईडी एंड अपडेट,
अच्छा इसमें डॉलर करके और भी चीज़ें ये बता रहे हैं, ज़रा एक दफ़ा हम नज़र कर लेते हैं सब पे। अनसेट सेट और इंसर्ट सेट 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 पुश पुल पुल पॉप। चलो सेट के अलावा और कोई ऐसा ऑपरेटर नहीं है जो इसमें अप्रोप्रिएट हो। ठीक है जी, सेट प्रोडक्ट मैंने ऐसे करके कर दिया तो जो प्रोडक्ट की इसमें फील्ड्स होंगी वो अपडेट हो जाएंगी यहाँ पे जाके। ठीक है जी, आ जाते हैं हम ज़रा इसको अगेन चला के देखते हैं। ठीक है जी, प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली और यहाँ पे मुझे इसने कहा कि एक्नॉलेज ट्रू मॉडिफिकेशन काउंट वन और अपसर्टेड आईडी। अपसर्टेड, अच्छा यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है कि अपसर्ट मैंने कोई भी नहीं किया। अपसर्ट क्या होता है, एक तो अपडेट होता है ना, एक होता है अपसर्ट। अपसर्ट ये होता है कि अगर वो चीज़ मौजूद होगी तो उसको अपडेट करेगा, अदरवाइज उसको वो क्रिएट कर देगा, इंसर्ट कर देगा। तो उसको अपडेट और इंसर्ट का कॉम्बो बना के ना तो उसको अपसर्ट कहते हैं प्यार से। तो हाँ, तो यहाँ पे इसको ना अपसर्ट इसने बोला नल। इसने बोला मैंने अपसर्ट नहीं किया किसी को, सिर्फ अपडेट हुआ है। ठीक है, अपडेटेड काउंट जो है, मॉडिफाइड काउंट यहाँ पे वन बता रहा है लेकिन अपसर्टेड नहीं बता रहा। ठीक है, यहाँ पे इसने एक्नॉलेज करा दिया है कि भाई अपसर्ट हुआ नहीं है एक्चुअली। तो अगर मैंने मतलब इस चीज़ को पकड़ना है कि आया कि अपसर्ट हो रहा है या क्या हो रहा है, तो मैं यहाँ नीचे इसको डिटेक्ट कर सकता हूँ। जी हाँ, सब भी भेजें तो वैसे कोई इशू नहीं है, लेकिन आइडियली मुझे जो चीज़ अपडेट करनी होती वो भेजता हूँ। नहीं देखो, अभी मेरे पास ना गेट ऑल प्रोडक्ट किया ना मैंने, तो मेरी प्रोडक्ट अब देखो न्यू नेम आ चुका है इसमें। बाकी चीज़ें मैंने नहीं भेजी थी, वो अपडेट नहीं हुई। और अब देखो अपडेट और डॉक्यूमेंट में मैं जाके ना मैंने सिर्फ नाम भेजा था। हाँ हाँ, नहीं वो कोड में तुम्हारे मसला ये होगा कि तुमने बॉडी रख के भेज दी होगी ना बॉडी। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे मैंने जो काम किया ना ये वाला, ये इसके बगैर ये काम हो नहीं सकता था। ऑप्शन इसके अलावा ये ऑप्शन था नहीं मेरे पास। अगर मैं ये करता ना कि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता यूँ और इसमें बोलता कि भाई नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, अब बॉडी में या तो नेम मिलेगा या तो अनडिफाइन मिलेगा। अनडिफाइन को ये वैल्यू समझेगा ना, अनडिफाइन कर देगा उसको जाके ये। तो वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई की एग्जिस्ट ना करना और कोई की मौजूद है उसमें अनडिफाइन होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो इसलिए ये वाली बात मैंने लगाई है। देखो अगर ये पहला वाला ट्रू नहीं हुआ ना, अगर नेम मौजूद नहीं है तो प्रोडक्ट डॉट नेम होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा। एग्जिस्ट हो जाना फिर अनडिफाइन होना इज़ अ डिफरेंट थिंग। अच्छा जी जी, इसके लिए एक मिनी राउटर का कॉन्सेप्ट होता है, वो अभी हमने पढ़ा नहीं है इसमें कोर्स में। होपफुली अगर पढ़ लेंगे हम, कोई मसला नहीं है। ये वाला तो यार इसी तरह चलता है। ये वाला जो किया है ये तो सही है, सिंगल लाइन में किया मैंने, इसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया। अगर इफ की बॉडी एक लाइन की होती तो कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो बस वो नहीं लगाया। इससे ज़्यादा शॉर्ट कुछ हो नहीं सकता है। अच्छा, इसका मैं ये गोल ब्रैकेट भी हटा सकता हूँ, बाय द वे मैं इसकी गोल ब्रैकेट भी हटा सकता हूँ। अच्छा, ये गोल ब्रैकेट हटाने पे ज़रा इसको फिर समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। टर्नरी ऑपरेटर भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, हाँ उससे भी ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा ये। लेकिन टर्नरी ऑपरेटर का मसला ये कि वो एल्स में भी कुछ ना कुछ करता है, मुझे इसमें एल्स नहीं चाहिए। नहीं फिर भी करेगा भाई, मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, चलो ये हटा के मैं ज़रा टर्नरी ऑपरेटर लगाता हूँ ना, और मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। और मैंने कहा कि अगर तो ट्रू हो जाए ना तो ये वाली बात रिटर्न करो। ठीक है, यानी प्रोडक्ट डॉट नेम के अंदर इक्वल्स टू क्या कर दो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम कर दो। अब मैं एल्स में क्या लगाऊँ यहाँ पर इस जगह पर, एंड एंड कुछ तो लगाऊँगा ना मैं यहाँ पर, एम्प्टी स्ट्रिंग लगाऊँगा, क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। नहीं मैंने बस एक टर्नरी ऑपरेटर ने ख़त्म करना है ना पहले, दूसरे को बाद में देखेंगे। अभी तीन अच्छा, ये तो टर्नरी ऑपरेटर फिर हुआ ही नहीं ना, ये तो चलो सही है इससे भी हो जाएगा, लेकिन ये टर्नरी ऑपरेटर हुआ नहीं फिर। ये
कुछ और हुआ। अच्छा इससे अब एक मसला है, अगर एंड 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 ये करता है कि जो लास्ट वाली ट्रू वैल्यू होती है उसको रिटर्न करता है, एंड एंड ये करता है असल में, तो लास्ट वाली ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा ना, तो अगर ये पहले में ही ट्रू मिल गया इसको और दूसरे में भी ट्रू मिल गया तो दूसरे वाले को रिटर्न करेगा, और अगर पहला वाला ट्रू हुआ, पहला वाला फॉल्स हुआ अगर और दूसरा वाला भी फॉल्स हुआ, तो उस सूरत में ये क्या रिटर्न करेगा? ये स्टेटमेंट है ना, एक तो ये स्टेटमेंट कुछ तो रिटर्न करेगी, कुछ तो रिटर्न करेगी अनडिफाइन या एक्स वाई जेड, फॉल्स या ट्रू, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेटर आ गया ना, तो अब ये फॉल्स या ट्रू का केस है अब ये, तो अब ये स्टेटमेंट या तो फॉल्स रिटर्न करेगी या तो ट्रू रिटर्न करेगी, वो ट्रूथ टेबल है हमारे पास, लेकिन फिर प्रोडक्ट नॉट नेम में कुछ ना कुछ चला जाएगा ना, हमने ये नहीं करना, मतलब या तो फॉल्स या तो ट्रू या तो चलो कोई एक वैल्यू। प्रोडक्ट डॉट नेम ये वाला, हाँ ये वाला, प्रोडक्ट डॉट नेम से पहले मतलब इधर यहाँ यहाँ पे एंड एंड, हाँ ये हो जाएगा अब सही। लेकिन यार ये फिर इक्वल के ऑपरेटर पे अभी भी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मेरे को पता नहीं क्या चाहिए, इसको मुझे फिर ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा इतने को। अच्छा तो अब मैंने बोला कि यार अगर ये हो तो ये वाला काम कर दो, अब ये मैंने बोल दिया, हाँ काइंड ऑफ ये काम तो सही हो गया, लेकिन ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये नया बच्चा कोई देखेगा तो वो बोलेगा पता नहीं क्या लिख दिया ये भी ज़रा ख्याल रखना होता है कोडिंग करते हुए कि कोई ऐसा भी कोड मैं ना लिख दूँ ना जो बिल्कुल ही ज़रा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, जो एक नॉर्मल डेवलपर को समझ ही ना आए, फिर ये भी एक मसला है। ठीक है वेल, इसको मैं कोशिश करता हूँ कि वापस उसी में कन्वर्ट कर दूँ, हाँ चलो इसको मैं लिखा रहने देता हूँ, नेम नेम एंड नेम, अच्छा जी तो एक बार हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं, अब ये प्रोडक्ट की जो एरे ना ये डिम हो गई है, अब इसकी ज़रूरत नहीं रही मुझे, अब ये कहीं इस्तेमाल भी नहीं हो रही। अच्छा अब मेरे पास गेट ऑल प्रोडक्ट जो है कंप्लीट हो चुका है, सही है जी, पोस्ट गेट सिंगल प्रोडक्ट ये भी कंप्लीट हो चुका है मेरे पास, पोस्ट अ प्रोडक्ट इसमें भी कुछ कमी थी लास्ट क्लास में जो हमने किया था उसको भी आज हमने पूरा कर लिया, एडिट अ प्रोडक्ट या अपडेट अ प्रोडक्ट ये भी पूरा है, और डिलीट अ प्रोडक्ट भी पूरा हो चुका है। अच्छा अब हमने करना क्या है, अब हमने करना ये है के ये सर्वर क्योंकि मेरा चल ही रहा है लगे हाथों, सर्वर तो मेरा चल रहा है ना, ये लोकल होस्ट 3000 पे मेरा सर्वर रन हो रहा है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि यार मैं जो फ्रंट एंड है ना मेरा, कहाँ गया फ्रंट एंड मेरा, अरे फ्रंट एंड तो है ही नहीं इसमें, अच्छा फ्रंट एंड हमने नहीं बनाया, चलो बना लेते हैं, तो नहीं 5-10 मिनट का कोई इशू नहीं है यार, खैर अभी तो इनमें से भी आधे आए आधे अभी 15-20 मिनट में आएंगे घूमते घूमते। अच्छा जी अच्छा तो ये मैंने ना एक HTML का पेज बना दिया जिसमें मैंने लिख दिया कि यार ये प्रोडक्ट क्रेडिट करके एक हेडिंग लगा दी इसमें, और ज़रा इसको जो है ना मैं कॉपी पाथ करके और यहाँ पे ना चला देता हूँ, ठीक है, और इसका इंस्पेक्शन भी खोल लेता हूँ मैं यहाँ पे ताकि मुझे दिखता रहे अगर कोई एरर वगैरह आ जाए। जब भी यार आपने फ्रंट एंड बनाना है ये आपका इंस्पेक्शन हमेशा खुला हुआ होना चाहिए, ठीक है, ख़ासतौर पे जब आप लॉजिक वाले काम कर रहे हो, UI पे आपकी मर्ज़ी है लेकिन लॉजिक वाले काम जब आप कर रहे हो, ठीक है। अगला काम मैंने क्या करना है, मैंने इस फ्रंट एंड से एक API कॉल करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, उसके लिए मुझे एग्जियोस का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, फैच भी यूज़ कर सकते हैं, एग्जियोस ज़रा आसान है इसलिए मैं एग्जियोस प्रेफर करता हूँ, ठीक है, इस क्लास में ख़ास तौर पे। हाँ
नहीं, जिसको फैच पे हाथ सेट है वो फैच यूज़ कर सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कह रहा कि फैच यूज़ नहीं करो या कोई मसला है फैच यूज़ करने में, फैच आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि यार आपको उस पर ज़्यादा हाथ सही है आपको। ये हमने स्क्रिप्ट लगा दिया एक्जियोस का, अब हम इस पेज से क्या करेंगे, API कॉल करेंगे। कौन सी API कॉल करेंगे? जो हमने खुद बनाई है अभी अभी, जो हमने खुद बनाई है। स्क्रिप्ट में क्या है, स्क्रिप्ट नीचे लगा सकते हैं लेकिन हमारी खुद की स्क्रिप्ट फिर हमें इससे भी नीचे करनी पड़ेगी, ठीक है? तो इस स्क्रिप्ट को हम होपफुली क्या करेंगे, हम ऊपर लगाएंगे, ठीक है? हेड में नहीं, बॉडी बस शुरू होते हुए लगा देंगे हम। अभी हम देखते हैं इसको ऊपर नीचे करने से क्या फ़र्क पड़ता है, अभी हम इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं अभी यहीं पर इसी जगह पर। अच्छा जी, फिर मैंने क्या किया, एक स्क्रिप्ट का एक और टैग लगा दिया यहाँ पे, और इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर क्या लिखा मैंने, एक्सियोस डॉट गेट, और एक API लिखनी पड़ेगी मुझे, यस, लोकल होस्ट कॉलन 3000/ प्रोडक्ट्स, ठीक है? इससे मेरी तमाम की तमाम प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगी। अच्छा, इसके बाद डॉट देन, लेकिन क्या मुझे डॉट देन लगाना चाहिए? नहीं, मुझे अवेट लगाना चाहिए। इसमें कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट, और ऐसे करके लगा दिया मैंने, ठीक है? और रिस्पॉन्स का जो भी डेटा होगा मेरा, उसको मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, कॉन्सोल करवा सकता हूँ, और हैं अभी करते हैं उसका हम रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है? अच्छा, इसको भी मुझे ट्राई कैच में लिखना चाहिए होपफुली, क्योंकि जाहिर है जब मैं यहाँ पे API कॉल करता हूँ तो ये API फेल भी हो सकती है, ठीक है? तो इसको भी मैं ट्राई कैच के ब्लॉक में लिखूँगा, ठीक है? अच्छा, कैच के ब्लॉक में अब मैंने क्या करना है यहाँ पे, वो मेरी मर्ज़ी है टोटली। फ़िलहाल मैं सिर्फ यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग लगा देता हूँ, या कॉन्सोल डॉट एरर बल्कि लगाऊँ तो लाल कलर करके दिखाता है मुझे ये, ठीक है, कि भाई एरर गेटिंग प्रोडक्ट्स। लेकिन इस जगह पे आप चाहें तो कोई अलर्ट दिखा सकते हैं, चाहें तो कोई टोस्ट दिखा सकते हैं, चाहें तो कोई पॉपअप दिखा सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आप क्या करना चाहते हैं यहाँ पे। अब ये जो रिस्पॉन्स डॉट डेटा मेरे पास आके कॉन्सोल हो गया ना, इसको ज़रा चला के देखते हैं आया कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, ठीक है? अभी अभी हम सबको करते हैं, सबको करते हैं, ठीक है? अवेट इज़ ऑनली वैलिड इन एसिंक, तो अब मुझे ये पता चल गया कि यार मुझे एक फंक्शन इसको बनाना पड़ेगा। अब ये फंक्शन मैं कैसे बनाऊँगा, मैं फंक्शन बनाऊँगा, ये मैंने फंक्शन बना दिया, इसमें एसिंक लगा दूँगा मैं साथ में, और इस फंक्शन का जो ब्लॉक है वो यहाँ पे मैं ख़त्म कर दूँगा, ठीक है? अब मैंने ये एक फंक्शन बनाया जिसका भी कोई नाम नहीं रखा, चलो नाम भी रख देते हैं, लैम्डा फंक्शन को हम सेल्फ कॉलिंग नहीं बना सकते, ये इसके साथ इशू है। अगर मैं चाहूँ ना कि मैं इसको ऐसे कर दूँ और फिर मैं इसको ऐसे कर दूँ और इसको मैं सेल्फ कॉलिंग कर दूँ, तो ये लैम्डा फंक्शन के अंदर एरर करता है, नहीं होता है, नहीं हुआ ना। अच्छा, ये जो एक्सेस ओरिजिन का इशू दे रहा है यार, चल गया है वैसे, यार ये नहीं चलना चाहिए, ये नहीं चलता एक मिनट टाइप मॉड्यूल तो करूँ इसको मैं ज़रा पहले, अब शायद ना चले, नहीं चल अभी भी रही है। अच्छा वेल, अब ये जो एरर दे रहा है ना मुझे, ये कह रहा है कि ओरिजिन नल है आपका ना इस वक्त। असल में मैंने फाइल को डायरेक्ट ओपन किया है ना, तो ओरिजिन पे मेरे कोई URL नहीं है इस वक्त, तो वो कह रहा है कि यार आपका ना ओरिजिन नल है, तो इसलिए हम चलाने नहीं देंगे आपको। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइव सर्वर पे इसको चलाना पड़ेगा। जब भी मैं इसको टाइप मॉड्यूल करके चला रहा हूँगा ना, तो मुझे मेरे लिए ज़रूरी होगा कि मैं लाइव सर्वर पे चलाऊँ, अदरवाइज़ ये API कॉल वगैरह मुझे करने नहीं देगा ये, ठीक है? चलो अब लाइव सर्वर पे चला देते हैं इसको हम जल्दी से, और नहीं वो गिटहब में जब आप करते हैं तो फिर वो क्या होता है कि जो है ना, अच्छा ये इस वजह से एरर आ रहा है कि मैंने सर्वर के ऊपर ना ये कोर्स पॉलिसी को हैंडल नहीं किया हुआ है, ठीक है? सर्वर के ऊपर कोर्स पॉलिसी मैंने हैंडल नहीं किया हुआ है, इस वजह से ये आ रहा है। अच्छा, कोर्स पॉलिसी क्या चीज़ होती है? नहीं नहीं, यहाँ पे सब मुझे हैंडल करना पड़ेगा। अच्छा समझ लो कोर्स पॉलिसी क्या होता है। कोर्स पॉलिसी ये होता है कि मैं सर्वर पे ये मेंशन करता हूँ कि इस सर्वर को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। जब इस सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी जाएगी तो ब्राउज़र के अंदर URL में क्या लिखा हुआ होना चाहिए उस वक्त, ये मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ।
अच्छा, क्या ये कोई सिक्योरिटी फीचर है? इसका जवाब है नहीं, ये सिक्योरिटी फीचर नहीं है। ठीक है, ये सिक्योरिटी फीचर है भी और नहीं भी है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम इम्पोर्ट करेंगे कोर्स फ्रॉम कोर्स। यस, इसको मुझे डाउनलोड भी करना पड़ेगा, सही है। और इसको मैं लगाऊंगा ये ऐप डॉट यूज़ के साथ ना, यहाँ पे कोर्स को जो है ना जस्ट मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा ऐसे। इस कोर्स को कॉल करने का मतलब ऐसे है, बगैर किसी पैरामीटर के इसको कॉल करने का मतलब है कि हर कोई एक्सेस करे मेरे को। अच्छा, अदरवाइज मुझे इसमें एक एरे पास करना होता है, और एरे के अंदर जो तमाम के तमाम URLs हैं ना वो ऐसे पास करने होते हैं। ठीक है कि जी, मुझे लोकल होस्ट अगर हो या ये वाला API हो या स्लैश, यहाँ पे कॉमा डाल के मैंने कहा कि यार अगर ऐप स्पॉट डॉट ऐप डॉट कॉम ऐसे करके जो मेरे पास URL आता है ना वहाँ से, जो गूगल क्लाउड से इस तरह का कोई URL आता है मेरे पास, ठीक है, तो मैंने वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया कि यार इस तरह का URL हो ना अगर, तो भी इसको एक्सेस करने दो। तो इस तरह मैं एक लिस्ट बताता हूँ, ऑब्वियसली मैं कभी भी इसको खाली नहीं छोड़ता, अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ। HTTP:// मैंने कहा भाई लोकल होस्ट हो ना तो आने दो, बता रहा हूँ क्या। ठीक है, मैंने फ़िलहाल ये URL लगा दिया। अच्छा, अब ये जो है ना सिक्योरिटी फीचर नहीं है ये, इसका मतलब क्या है? देखो, जब मैं इसको पोस्टमैन से हिट करता था ना तो ये कोर्स की पॉलिसी तो नहीं लगी हुई थी उस वक्त, सही चल रहा था। जब मैं इसको मोबाइल ऐप से हिट करता हूँ, कोर्स पॉलिसी नहीं लगी हुई होगी, सही चलेगा। मैं इसको कोई रसबरी पाए से, कोई IoT डिवाइस से, किसी TV वगैरह से, XYZ से हिट करता हूँ, सही चलेगा। ये सिर्फ गूगल क्रोम से या जो मॉडर्न ब्राउजर्स है ना उनसे जब आप इसको हिट करेंगे ना तो वो आपको बोलेगा कि यार आपका सर्वर तो बोल रहा है आपको मना आना, सही है। मॉडर्न ब्राउजर जितने भी हैं, जब उससे आप बटन दबा के उसको करेंगे ना रिक्वेस्ट हिट, तो ब्राउज़र आपको क्या बोलेगा? जैसे मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये आपको बोलेंगे कि यार वो जिस सर्वर पे आपने भेजी थी ना रिक्वेस्ट वो तो मना कर रहा है, ऐसी बात कर देगा आपसे, बोलेगा भाई नॉट अलाउड। तो ये गूगल क्रोम का सिक्योरिटी फीचर है, ये आपके सर्वर को सिक्योर नहीं बनाएगा किसी भी हाल में, ये आप याद रखें। ये गूगल क्रोम का सिक्योरिटी फीचर है, और ये गूगल क्रोम ने किसके लिए बनाया है, या जितने भी मेजर ब्राउज़र हैं उन लोगों के लिए बनाया है जो गूगल क्रोम इस्तेमाल करते हैं, और उन लोगों को फ्रॉड से और स्कैम से बचाने के लिए गूगल क्रोम ने ये फ़ीचर इम्प्लीमेंट किया। कैसे भला? ऐसे भला कि बंदा आता है facebook.com खोलता है बंदा आगे, ठीक है। अच्छा, पीछे से क्या होता है, कोई इंजेक्शन हो जाता है उसके पेज के ऊपर, आपको पता है एक्सटेंशन वगैरह डलती है तो वो उस पेज के ऊपर ही वो स्क्रिप्ट चल रहा होता है असल में। एक्सटेंशन डल जाता है अंदर, और एक्सटेंशन डलने के बाद क्या होता है कि वो किसी और सर्वर पर हिट करने की कोशिश करता है उसको। तो जब वो किसी और सर्वर पर हिट करने की कोशिश करता है ना, तो पहले गूगल का जो क्रोम का ब्राउज़र है वो पहले सर्वर को बताता है मेरे कि यार इस URL पे बंदा खड़ा है इस वक्त, रिक्वेस्ट करना चाह रहा है, बोलो क्या करूँ, भेजूँ नहीं भेजूँ। तो मैं गूगल क्रोम को भेजता हूँ यार मत भेजो, ये स्कैम कर रहा है कोई, इस तरह की कोई चीज़, मैं कहता हूँ मत भेजो, तो वो नहीं भेजता फिर, तो बोलता है भाई मना कर रहा है, बता यार सर्वर तो मना कर रहा है, ऐसी बात कर रहा है। यानी कि facebook.com का जो सर्वर है ना उस पर जब रिक्वेस्ट भेजेगा ना गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम ये मेक श्योर करेगा कि facebook.com का जो सर्वर है ना वो इजाज़त दे रहा है कि यार आने दो इसको, जब भी भेजेगा। तो ये मैंने अगर इसको ऐसे करके दे दिया ना एम्प्टी, अगर छोड़ दिया इसको, तो मेरा सर्वर फिर किसी पे भी ना नहीं करेगा, सब पे हाँ करेगा। लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि मेरा फ्रंट एंड का जो URL है ना मैंने वो यहाँ मेंशन करना है, जो कि मैंने यहाँ पे इस जगह पे मेंशन भी किया हुआ है। अगर मेरा जो URL है वो इस लिस्ट में नहीं हुआ, जैसे किसी बंदे ने twitter.com पे खड़ा हुआ है वो और रिक्वेस्ट कर रहा है वो मेरे सर्वर पे, तो मेरा सर्वर उसको क्या बोलेगा, मना कर देगा। लेकिन मना सिक्योरिटी के सेंस में नहीं करेगा, गूगल क्रोम ने पूछा तो मना करेगा, अगर पोस्टमैन से कोई बंदा हिट कर रहा है तो उसको कोई मना नहीं है, वो आ सकता है। ठीक है, तो ये आपके केस में आपके सर्वर के लिए सिक्योरिटी फीचर नहीं है, बल्कि गूगल क्रोम के यूज़र्स के लिए गूगल क्रोम ने ये फीचर बनाया है सिक्योरिटी फीचर। अच्छा, वापस आएंगे अब यहाँ पे हम, और अब इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा, तो अब इसने जो है डिफरेंट एरर दिया है, देख लेते हैं कि क्या एरर दिया है। एरर यहाँ पे आया है कॉन्सोल। अच्छा, वो कोर्स मैंने इंस्टॉल नहीं किया ना इसमें, कोर्स को मैंने कहा कि sudo npm i कोर्स एंटर बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं ना, छोटी छोटी सारी चीज़ें, ये अभी शुरू में थोड़ा ज़्यादा लग रही होंगी लेकिन ये अल्टीमेटली आपको इसकी आदत हो जाएगी। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या हुआ,
तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पे मेरे पास आ गई है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको सेल्फ कॉलिंग बनाया था जो कि एक मुनासिब चीज़ नहीं है, इसको असूलन ऐसा होना चाहिए, वैसे मेरा ख्याल था ये नहीं चलेगा लेकिन ये चल गया समहाउ, इसको मैंने सेल्फ कॉलिंग नहीं बनाना है, सही है। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं समझाता हूँ कि क्यों नहीं बनाना है। इसको मैं बनाऊँगा कॉन्स्ट, ठीक है, गेट ऑल प्रोडक्ट्स PRODUCDS इक्वल्स टू, और ऐसे करके मैंने बना दिया इसको। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, एक्चुअली मैं बोलूँगा कि यार डॉक्यूमेंट के ना ऑन लोड पे इसको मैंने चलाना है, तो मैं बोलूँगा डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलूँगा लोड और कॉमा डाल के मैं ये गेट ऑल प्रोडक्ट्स को ऐसे रन कराऊँगा, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि डॉक्यूमेंट जब तक लोड नहीं होता और इस फंक्शन को मैंने चला दिया अगर, तो जावास्क्रिप्ट की हद तक तो ये सही चलेगा, लेकिन एक्चुअल में मैंने अब आगे वाली लाइन में क्या करना है, इसमें जो डेटा आया ना उसको मैंने स्क्रीन पे दिखाना है। कैसे दिखाऊंगा मैं वो, आ जाते हैं यहाँ पे, मैं एक बना देता हूँ डिव, और इस डिव के अंदर मैं आईडी क्या लगा देता हूँ, प्रोडक्ट्स करके मैंने एक आईडी लगा दी। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस डिव को उठाऊँगा गेट एलिमेंट करके और डॉट इनर एचटीएमएल करके कोई एचटीएमएल डालूंगा तो डिस्प्ले हो जाएगा इसके अंदर। आ जाओ ये काम कर लेते हैं। मेरे पास क्या आता है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर एक एरे आ जाता है, तो मैंने बोला अच्छा रिस्पॉन्स डॉट डेटा में भी डेटा आता है क्या, एक लाइन नंबर 22 से ये मेरे पास कॉन्सोल आ रहा है ना, रिस्पॉन्स डॉट डेटा आ रहा है भाई मेरे पास। अच्छा ये लोड चल नहीं रहा, अब ये लोड पे ये डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर पे लोड पे ये चला क्यों नहीं, ऑन लोड ऑन थोड़ी लगता है इसमें, तो सिर्फ लोड लगता है। विंडो डॉट लगाऊं या ये लगाऊं, बात तो एक ही है मेरे ख्याल में, विंडो पे डॉट एड इवेंट लिस्नर, नहीं किसी पे तो डॉट लगाऊंगा ना मैं, मेरा ख्याल है ये सही कह रहे हो तुम, विंडो पे डॉट एड इवेंट लिसनर लगेगा क्योंकि लोड तो विंडो होती है ना। चलो अगर अभी नहीं चलता है ना ये, हाँ चलिए अब चलिए, डॉक्यूमेंट डॉट लोड पे लगाया मैंने, क्योंकि देखो हर चीज़ का इवेंट तो होता है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो ये एड इवेंट लिसनर किसी एक चीज़ पे मैं लगा सकता हूँ, तो विंडो डॉट के ऊपर लगा रहा हूँ। असल में क्या होता है कि पहले मेरा विंडो होता है, विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट होता है, और डॉक्यूमेंट के अंदर फिर HTML होता है, फिर HTML के अंदर हेड और बॉडी होता है, फिर बॉडी में वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं अगर लोड विंडो होता है डॉक्यूमेंट पे, वो इसलिए नहीं मुझे मिल रहा, तो मैंने इसके ऊपर लगाया गेट ऑल प्रोडक्ट। बस यार 5 मिनट में हम ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा, इसके ऊपर चलाओ मैप। मैप का मतलब है कि जितने भी एरे के इंडेक्सेस हैं सब पे मुझे जाना है। मैंने कहा कि जी ईच प्रोडक्ट, अब यहाँ से आगे वो काम कर रहे हैं हम जो आप लोग वेदर ऐप में पहले ही कर चुके हैं, राइट। क्या हुआ, ठीक है, ईच प्रोडक्ट, इसकी स्पेलिंग मेरी मर्जी का कोई भी स्पेल हो सकता है इसमें। और मैंने क्या बोला यहाँ पे कि यार आप क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्वेरी सेलेक्टर कर लेता हूँ बल्कि, और क्वेरी सेलेक्टर में मैंने कहा कि हैश प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसको मैंने उठा के एक वेरिएबल में रख लिया, लेट प्रोडक्ट्स डिव, ठीक है जी, प्रोडक्ट्स डिव मैंने एक बना लिया इसको, और प्रोडक्ट्स डिव में मैं हर दफ़ा क्या करता हूँ, प्रोडक्ट डिव डॉट इनर HTML equals to plus equals to actually, अब इसमें मैंने एक HTML डालना है। इस HTML में मैं क्या डालने लगा हूँ, एक अदद H1 डाल दूंगा मैं जिसमें उसका टाइटल होगा, और एक अदद मैं उसमें पैराग्राफ डाल दूंगा जिसमें उसकी डिस्क्रिप्शन होगी मे बी। तो मैं एक और यहाँ पे डिव बनाऊंगा होपफुली जिसके अंदर मैं वो तीनों की तीनों चीज़ों को प्लेस करूँगा, ठीक है जी। और मैंने यहाँ पर कहा कि जी एक का अपना H2 लगा दो,
ठीक है, और एक साथ में क्या लगा दो, एक पैराग्राफ लगा दो। सही है। एच टू के अंदर आप क्या लिख दो भला, इसका जो ईच प्रोडक्ट डॉट नेम। सही है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लिख दो कि जी ईच प्रोडक्ट डॉट डी एस सी आर आई पी टी आई यू एम डिस्क्रिप्शन। और शायद प्राइस भी मुझे दिखानी चाहिए, तो मैं नेम के फौरन बाद जो है वो प्राइस भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। सही है, नेम के फौरन बाद मैं प्राइस भी दिखा देता हूँ, और प्राइस को भी शायद मुझे पैराग्राफ के एलिमेंट में रखना चाहिए, ना कि मुझे H2 में। तो मैं क्या करता हूँ कि जी वो हर प्रोडक्ट पे आइट्रेट करके ये पूरा का पूरा डिव उठाता हूँ, और इस डिव को क्या करता हूँ, इनर HTML प्लस करता चला जाता हूँ। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको एम टी भी करा देता हूँ ज़रा लूप चलाने से पहले, ताकि जब अगली दफ़ा पेज मेरा रिफ्रेश हो या किसी भी वजह से ये फंक्शन दोबारा चले तो पहले उसको वो ज़रा ख़त्म कर दे। तो मैंने बोला कि भाई यहाँ पे ना प्रोडक्ट्स डिव डॉट इनर HTML को ना मैंने इक्वल्स टू एम टी स्ट्रिंग करा दिया पहले, और उसके बाद मैंने मैप चलाया ये वाला, ताकि मैप चलने के बाद जब मैप ख़त्म हो तो ये क्या हो जाए, मेरे पास लिस्ट हो जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिस्ट हो गया। अच्छा, ये लाइव सर्वर चल रहा है तो वो ऑटो अपडेट हुआ, अदरवाइज मैं रिफ्रेश हिट करता जब जाके वो हिट होता। तो यहाँ पे मेरे पास ये पहला डिप है और ये मेरे पास दूसरा डिप है। इसको मैं अगर ऐसे देखना चाहूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्रोडक्ट्स करके एक आईडी थी, और उसके अंदर ये पहला प्रोडक्ट और ये दूसरा प्रोडक्ट। इस तरह मैंने क्या करवा दिया, इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। अब अगला काम मैंने क्या करना है, अगला काम मैंने ये करना है कि हर प्रोडक्ट के साथ मैंने एक अदद बटन भी यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, अपडेट और डिलीट का। और उस बटन को जब मैं प्रेस करूं तो क्या होना चाहिए, वो डिलीट होनी चाहिए वो प्रोडक्ट। ठीक है, और एडिट का बटन जब दबाऊं तो मेरे पास एक पॉपअप ये खुल जाए, या वहीं पे वो कन्वर्ट हो जाए एडिट के फॉर्म में, और वहां पे वो एडिट कर सकूं मैं इस प्रोडक्ट को। तो ये काम हमने अगला करना है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ तक का काम कर लिया, ये बटन बना लिया क्लिक करने पर हो रहा हो। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं आप में से जिन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ, जिन्होंने ये काम प्लेन HTML से किया हो, रिएक्ट वगैरह या नेक्स्ट जेएस से नहीं, प्लेन HTML से किया सबने। गुड यार, चलो तो स्टिल हम यहाँ पे ये करके देखेंगे एडिट और डिलीट, क्योंकि कुछ लोगों ने नहीं किया है। जिन्होंने कर लिया है वो आई होप के वो उसको जब मैं बना रहा हूँगा तो उसमें पार्ट लेंगे बनाते हुए। रिएक्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बहुत थोड़ा सा पढ़ेंगे लेकिन, ठीक है, अभी नहीं, लेकिन उसमें टाइम है, सर्वर ख़त्म कर लें पूरा, लास्ट में हम पढ़ेंगे वो वाला। ठीक है, किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है, क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी, कोड पुश कर देता हूँ मैं, कोड पुश कर देता हूँ। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं। जी हाँ हाँ हाँ, ये तो बीच में बात रह गई कि अगर मैं इसको गेट ऑल प्रोडक्ट को मैंने जो इवेंट लिसनर लगा के इसको लोड किया, अगर मैं ये ना करता तो क्या होता, ये ना करता तो ये होता कि ये फंक्शन बहुत पहले चल जाता, और जब मैं ये इसको क्वेरी सेलेक्टर करके प्रोडक्ट्स की डिव उठाता ना ये वाली, तो वो प्रोडक्ट्स की डिव यहाँ पे मौजूद ही नहीं होती, ये होता। सही है। अच्छा, ये वाला भी एक रीज़न है, देखो मैंने स्क्रिप्ट के टैग को यहाँ पे टॉप पे लगाया ना, एग्जियोस वाले को, अगर मैं एग्जियोस वाले को यहाँ से कट करूँ और अपनी स्क्रिप्ट के मैं बाद लगा दूँ यहाँ लागे, तो एग्जियोस नहीं मिलेगा मुझे। ठीक है, तो मुझे आइडियली मुझे एटलीस्ट इस स्क्रिप्ट के पहले इसको लगाना है एग्जियोस को। ठीक है, लेकिन अगर मैं टॉप पे भी लगा दूँ तो लोड पे कॉल किया तो नहीं, लोड पे जब देखो लोड का फंक्शन जब हिट होगा, सॉरी लोड का जो इवेंट है वो जब मुझे मिलता है जब मेरा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली लोड हो जाता है, जब ब्राउज़र का जो लोडर है ना वो घूमना बंद हो जाता है ना, जब मुझे मिलता है वो। ठीक है, तो लोड का जब मुझे इवेंट मिलता है उस वक्त तक वो डिव सारा कंस्ट्रक्ट हो चुका होता है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो फिलहाल मैंने इसको क्या कर दिया, एग्जियोस को अपनी स्क्रिप्ट से ऊपर रखा है, और जो मेरा फंक्शन है जो मेरे पेज के खुलते ही जो चलता है उसको मैंने बगैर सेल्फ कॉलिंग करके नहीं चलाया, बल्कि उसको मैंने किस पे चलाया है, एक इवेंट लगाया है लोड का, उसके ऊपर चलाया है। इसको मैं क्या कर सकता था, बॉडी के ऊपर भी ऐसे ऑन लोड करके भी लगा सकता था, लेकिन स्टिल दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, जो हम पहले देख चुके हैं कि एड इवेंट लिसनर करना इज़ अ बेटर प्रैक्टिस। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बाय।